संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल और जैकी श्रॉफ की फिल्म बाप की कहानी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। जाने क्या होगी फिल्म की कहानी। 90 के दशक की यादें एक बार फिर से दर्शकों के दिल में ताजा करने के लिए सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ ने अपनी कमर कस ली है। कुछ दिनों पहले ही संजय दत्त ने अपनी आगामी फिल्म बाप ऑफ ऑल फिल्म का पहला पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस पोस्टर में बॉलीवुड के 4 सुपरस्टार एक्टर्स को साथ में देखने के बाद फैंस काफी बेसब्र हो गया था। और अब दोस्त, फैंस की उत्सुकता और बढ़ाने के लिए बाप की कहानी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर फिल्म में क्या कहानी होने वाली है। दरअसल फिल्म में कहानी है 3 कैदी और 1 वकील की। और फिल्म में 3 कैदी के रूप में हमें जैकी श्रॉफ, सनी देओल और संजय दत्त देखने को मिलेंगे। वही वकील के किरदार में मिथुन चक्रवर्ती नजर आएंगे। फिल्म में सनी देओल की किरदार को लेकर बताया जा रहा है कि वह फिल्म में एक सनकी और खतरनाक कैदी के किरदार में देखने को मिलेंगे। वही जैकी दादा और संजय दत्त फुल एक्शन और कॉमेडी में नजर आएंगे। और फिल्म में ये दोनों एक दूसरे के भाई बने हुए है। वही वकील का किरदार निभा रहे मिथुन चक्रवर्ती भी एक ऐसे वकील का किरदार निभाएंगे जिनसे वकालत ठीक से नहीं होती है और हर केस हारी जाते हैं। और इसलिए ऐसे वकील को इन तीनों का केस दिया जाता है जिससे वह कभी इन्हें जेल से आजाद ही ना करवा सके। यह 3 कैदी जो इस जेल में आकर फंसे हैं, वह अपने किसी कारण की वजह से कैद किए गए है। बात करी जाए सनी देओल की, तो सनी देओल के कैरेक्टर को देखकर ऐसा लगता है कि वह मारपीट की वजह से उन्हें जेल में कैद किया गया है। वही बाकी के 2 किरदार को लेकर ऐसा लग रहा है कि संजय दत्त और जैकी श्रॉफ जेल में इस वजह से आए हैं कि वो दोनों ही बड़े चोर हैं। और अब इन तीनों की ही वकालत करने के लिए फिल्म मिथुन चक्रवर्ती को चुना गया है। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती के लिए ये तीनों ही बड़े परेशानी है, क्योंकि जब उनके बाहर आने का वक्त होता है तो वो जेल में ही ऐसा कुछ कांड कर देते हैं के चलते लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। सनी देओल मारपीट से जेल में फंसे रहते हैं। वही इसी तरह कुछ संजय दत्त और जैकी श्रॉफ भी करते हैं, जो यहाँ बाकी कैदी को परेशान करे उन्हें उकसाने में लगे रहते हैं। यहाँ यह दोनों ज्यादातर सनी देओल को गुस्सा दिलाते हैं ताकि वो पूरी जेल को तहस नहस कर दे और ये दोनों दोस्त भागने में भी सफल रहे। बता दी कि यह फिल्म कॉमेडी के साथ साथ एक्शन फुल धमाका होने वाली है। कहानी में और कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए कॉमेडी दुनिया के मशहूर कलाकार जॉनी लीवर भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। यह तो बात थी फिल्म की कहानी को लेकर। अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी और भी कुछ खास बातें। 80 और 90 के सुपरस्टार को ऐसे साथ में देखना दर्शकों के लिए बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। इस बीच संजय दत्त ने बाप ऑफ ऑल फिल्म से BTS वीडियो शेयर किया है, जो कि काफी फनी और दिलचस्प है। इस वीडियो में सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती व सभी स्टार्स का पर्दे के पीछे का अंदाज देखने को मिला है। आइए आपको भी दिखाते हैं बाप का BTS वीडियो। संजय दत्त ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, पर्दे पर ये करे कमाल और पर्दे के पीछे खुद ही देख लो फुल धमाल। बवाल और मस्ती है बॉस, आइए आपको दिखाते हैं बाप की पहली झलक, वो भी सेट से। साथ ही एक्टर्स ने अपने को स्टार को टैग भी किया है। बाप के BTS वीडियो में पर्दे के सीन्स को दिखाया गया है, कैसे फिल्म की शूटिंग हुई और कैसे स्टार्स ने एक्शन किया। जहां एक और सनी देओल की तोड़फोड़, तो जॉनी लीवर का मस्ती भरा अंदाज दिखाई दे रहा है। वही मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ का लुक भी देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल स्टार फिल्म की इस वीडियो को देखने के बाद फैंस काफी उत्सुक हो गए हैं और अभी से बाप ऑफ ऑल फिल्म्स को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। फिल्म के इस वीडियो को शेयर करते हुए संजय दत्त ने कैप्शन में लिखा, पर्दे पर ये करे कमाल और पर्दे के पीछे खुद ही देख लो फुल ऑन धमाल। बवाल और मस्ती बेमिसाल, ये आपके लिए सेट से एक झलक। इस वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, कोई मूवी धमाल मचाए या ना मचाए, लेकिन ये फिल्म धमाका जरूर करेगी। दूसरे यूजर ने लिखा, बाबा जान ऐसे वीडियो पोस्ट करके क्यों तड़पा रहे हो, बस अब इंतजार नहीं होता। अन्य यूजर ने लिखा, सारे सुपर हीरो एक साथ, इस फिल्म को अहमद खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर है। बाप फिल्म में जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, सनी देओल, जॉनी लीवर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे स्टार है। ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी। बाप फिल्म में हुई बॉलीवुड की 2 बड़ी दिग्गजों की एंट्री, एक हंसाएगा तो वही एक नचाएगी। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार सनी देओल बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार है। हाल ही में सनी देओल ने यह ऐलान किया कि वो बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ, संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म बाप में नजर आने वाले हैं। अरे दोस्तों, हर किसी के लिए काफी एक्साइटिंग खबर है, क्योंकि एक साथ 4 बड़े दिग्गजों को एक फिल्म में देखना हर किसी के लिए सुनहरा मौका होने वाला है।
ऐसे में इस एक्शन पैक्ड फिल्म के लिए फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। बता दें कि लंबे अरसे के बाद ये दिग्गज कलाकार एक साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए कमर कस चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपके लिए इस फिल्म से दो बड़ी खबर लेकर आए हैं। अब तक आपने जाना कि इस फिल्म में सनी देओल, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल देखने को मिलने वाले हैं और ये चारों ही 1890s के कलाकार हैं। लेकिन आपको यह बता दे कि अब इस फिल्म में दो बड़े और दिग्गजों की एंट्री हो चुकी है। हाँ, दरअसल दोस्तों, कॉमेडी के किरदार में इस फिल्म में जॉनी लीवर की एंट्री हो चुकी है। हाँ, आपको बता दें कि इस फिल्म में कॉमेडी के किरदार में जॉनी लीवर देखने को मिलने वाले हैं और हम सब जानते हैं कि जॉनी लीवर की कॉमेडी किस हद तक होती है, वह किस तरह लोगों को एंटरटेन करते हैं, हम उनकी 90s की फिल्मों में भी देख चुके हैं, यहाँ तक कि हम उनकी रिसेंट फिल्मों में उनकी कॉमेडी से वाकिफ है। और जब किसी फिल्म में जॉनी लीवर की एंट्री हो तो वह फिल्म में कॉमेडी का जलवा किस कदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यह फाइनल हो चुका है कि फिल्म में जॉनी लीवर देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करें फिल्म के दूसरे बड़े दिग्गज कलाकार की, तो हम बात कर रहे हैं रवीना टंडन की। हाँ दोस्तों, इस फिल्म में रवीना टंडन भी आपको देखने को मिलने वाली है। 90s की एक्ट्रेस की रवीना टंडन की हमने एक से बढ़कर एक फिल्में देखी है, लेकिन वह अब पहली बार इन चारों कलाकारों के साथ देखने को मिलने वाली है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिल्म बाप में रवीना टंडन एक आइटम सॉन्ग में देखने को मिलने वाली है, जो इन चारों के साथ थिरकती नजर आएंगी और ये सभी के लिए काफी एक्साइटिंग हो। वही दोस्तों, अब बात करें सनी देओल की, तो बॉलीवुड में अब सनी देओल लंबे वक्त के बाद अपनी धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं। जैसा कि हमने देखा कि वह फिल्म बाप में तो नजर आने वाले हैं, लेकिन उनके पास फिलहाल एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जिसमें वह कमाल का एक्शन करते नजर आएंगे। तो आइए जानते हैं उनकी अपकमिंग फिल्मों के बारे में। तो उनकी फिल्मों को लेकर बताया जा रहा है कि वह बाप के अलावा फिल्म गदर 2 और अपने 2 में नजर आएंगी। गदर 2 की शूटिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और अपने 2 की शूटिंग वजल शुरू करने वाले हैं। बाप फिल्म 90s के दशक के लिए होने वाली है बेहद खास। सनी देओल, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और मिथुन दा के अलावा और दो 90s के बड़े एक्टर की हुई एंट्री। सनी देओल जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर अपना फिर से वो दौर लाएंगे जो 90s और 80s के दशक में हुआ करता था, क्योंकि सनी देओल जिस तरीके से अपनी आने वाली फिल्मों को अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इसको लेकर दर्शकों में फिर से सनी देओल के चर्चे होना शुरू हो गए हैं। उनकी आखिरी फिल्म चूप OTT पर धमाल मचा रही है। बता दें कि ये फिल्म को G5 पर रिलीज किया गया है और फैंस उस फिल्म को बेहद पसंद कर रहे हैं। सनी देओल की 2023 में आने वाली कई सारी फिल्में हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चे गदर 2 और बाप फिल्म का हो रहा है। गदर 2 को लेकर तो हमने आपको पहले भी कई सारी जानकारियां दी है, लेकिन बता दें कि बाप फिल्म के भी चर्चे इन दिनों जोरों पर है। जब से ये फिल्म से फिल्म के स्टारकास्ट के लुक रिलीज किए गए हैं, तब से ही दर्शकों में ये फिल्म को लेकर काफी बज़ बना हुआ है और 90s के दशक अपने पुराने स्टारों को एक साथ देखने के लिए बेहद एक्साइटेड भी है। लेकिन यही एक्साइटमेंट आपकी और बढ़ने वाली है, क्योंकि ये फिल्मों में और दो नए स्टार की एंट्री हो चुकी है, जिनमें पहली है रवीना टंडन और दूसरी है जॉनी लीवर। आज की फिल्मों में हमें ये दोनों ना के बराबर देखने को मिलते हैं। जॉनी लीवर एक टैलेंटेड कॉमेडियन एक्टर है, फिर भी वो आजकल की फिल्मों में बहुत ही कम नजर आते हैं। लेकिन जब 90s के सुपरस्टार एक साथ आ रहे हो और 90s का कॉमेडियन ना हो, तो वो फिल्मों में मजा ही नहीं होता। इसलिए मेकर्स ने जॉनी लीवर को भी ये फिल्मों में लेने का फैसला किया है, जो कि वो एक प्लस पॉइंट होगा। इसके अलावा बता दें कि ये फिल्मों में 90s के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक रवीना टंडन की भी एंट्री हुई है। उनके रोल को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इतना कन्फर्म है कि बाप फिल्मों में रवीना टंडन हमें देखने को मिलने वाली है। बात करें हम ये फिल्म की, तो बाप फिल्मों में लीड रोल में संजय दत्त, सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ नजर आएंगे। ये फिल्मों को डायरेक्शन दे रहे हैं विवेक चौहान और फिल्मों को प्रोड्यूस कर रहे हैं अहमद खान। इसके अलावा बता दें कि ये फिल्मों में हमें धमाकेदार एक्शन और कॉमेडी दोनों नजर आने वाले हैं और ये फिल्म साल 2023 में रिलीज की जाएगी। हालांकि अभी तक ये फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ये फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट होगी, फिल्म की रिलीज डेट को भी अनाउंस किया जाएगा। और वैसे भी बता दें कि ये फिल्म की 50% शूटिंग कम्प्लीट भी हो चुकी है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है बाप फिल्मों को लेकर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें। फाइनली बाप फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग हुई कंप्लीट। 40 दिन तक सिर्फ शूट हुआ है क्लाइमेक्स। बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों एक फिल्म काफी चर्चा में बनी हुई है और वह फिल्म है बाप। बता दें कि इस फिल्म में बॉलीवुड के चार दिग्गज देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, सनी देओल और संजय दत्त नजर आने वाले हैं। यह फिल्म का हर किसी को इंतजार है। लेकिन दोस्तों, आज हम इस फिल्म से जुड़े आपके लिए एक बेहद ही एक्साइटेड बड़ी खबर लेकर आए हैं। खबर है फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग को लेकर। बताया जा रहा है कि फिल्म का क्लाइमेक्स अब फाइनली शूट हो चुका है। फिल्म के क्लाइमेक्स को शूट करने में 40 दिन लग गए हैं।
यह क्लाइमैक्स एकदम एक्शन से भरा रहने वाला है, जिसमें ये चारों ही कलाकार फुल एक्शन मोड में नजर आएंगे। वैसे तो ये क्लाइमैक्स को पहले ही शूट किया जाना था, लेकिन सनी देओल की फिल्म शूट की वजह से इसे एक्सटेंड करना पड़ा और बीच में सनी देओल अपने ऑपरेशन के सिलसिले में यूएसए गए थे और इसीलिए क्लाइमैक्स का शूट लंबा होता रहा। लेकिन अब फाइनली इस फिल्म का क्लाइमैक्स पूरा हो चुका है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि क्लाइमैक्स में सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ एक्शन अवतार में देखने को मिलेंगे। ये काफी सुनहरा मौका होगा, जिसमें 80 के दशक के ये चारों कलाकार फुल ऑन एक्शन में नजर आएंगे। बीते दिनों ही संजय दत्त ने इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया था। रिलीज किए गए इस BTS वीडियो में ये चारों ही एक्टर देखने को मिले थे। वीडियो को शेयर करते हुए संजय दत्त ने लिखा था, पर्दे पर ये करे धमाल और पर्दे के पीछे खुद ही देख लो, फुल धमाल बवाल और मस्ती है बॉस। आइए आपको दिखाते हैं बाप की पहली झलक, वो भी सेट से। साथ ही एक्टर ने अपने कोस्टार को भी टैग किया। बाप के BTS वीडियो में पर्दे के सीन्स को दिखाया गया है, कैसे फिल्म की शूटिंग हुई और कैसे स्टार्स ने एक्शन किया। जहाँ एक तरफ सनी देओल की तोड़फोड़ तो जॉनी लिवर का मस्ती भरा अंदाज देखने को मिला, वहीं सामने आए वीडियो में मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ का भी लुक नजर आया। फिल्म की रिलीज को लेकर बताया जा रहा है कि यह फिल्म को अगले साल रिलीज किया जाएगा और साथ ही यह भी खबर है कि फिल्म में एक धमाकेदार आइटम सॉन्ग रखा गया है, जिसमें रवीना टंडन इन चारों के साथ ठुमके लगाते नजर आएगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो फिल्म के लिए? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। जल्द गदर मचाने आ रहे हैं सनी देओल, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती रवीना टंडन के साथ बाप फिल्म के आइटम सॉन्ग को लेकर आई बड़ी खबर। इन दिनों बॉलीवुड की दुनिया में एक फिल्म ने काफी चर्चा बनाई हुई है और वह फिल्म है बाप। दोस्तों, इस फिल्म की चर्चा के पीछे की वजह यह रही है क्योंकि पहली बार 1890s के दशक के चार एक्शन हीरो एक साथ नजर आने वाले हैं और यह हर किसी के लिए काफी सुनहरा मौका भी होने वाला है। बीते जमाने के चार सुपरस्टार को एक साथ देख फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। कमाल की बात तो यह है कि इस उम्र में ये सब फिल्म में एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। बीते दिनों ही इस फिल्म से इन चारों का फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया था, जो आते ही सोशल मीडिया पर छा गया और लोगों ने इनके पोस्टर पर काफी प्यार लुटाया। बीते काफी दिनों से खबरों में यह भी चर्चा थी कि इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग होने वाला है और इस आइटम सॉन्ग में आइटम गर्ल के तौर पर रवीना टंडन देखने को मिलने वाली है। दरअसल इस फिल्म के आइटम सॉन्ग में रवीना टंडन इन चारों के साथ ठुमके लगाती नजर आएंगी। हालांकि अब इसी फिल्म के आइटम सॉन्ग को लेकर एक बड़ी खबर हाथ लगी है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के इस आइटम सॉन्ग को लेकर बताया जा रहा है कि यह फिल्म के आइटम सॉन्ग की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस सॉन्ग में हमें सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त के साथ 90s की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रवीना टंडन नजर आने वाली है। अब दोस्तों, इस फिल्म के बारे में थोड़ा कुछ जानें तो ये फिल्म को डायरेक्शन विवेक चौहान दे रहे हैं। इस फिल्म को अहमद खान, शार अहमद खान और जी स्टूडियो ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। बाप एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें भरपूर डायलॉगबाजी होगी और मीडिया के अनुसार फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग मुंबई की गोरेगांव स्टूडियो में 12 दिन तक चली है। इतना ही नहीं, शॉकिंग जानकारी तो यह है कि इस फिल्म के कलाकारों ने खुद स्टंट किए हैं। 72 साल की उम्र होने के बावजूद मिथुन दा ने डबल बॉडी लेने से इनकार कर दिया था। फिलहाल बॉलीवुड के चार सुपरस्टार की मच अवेटेड फिल्म बाप को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाप फिल्म में होगा धमाकेदार आइटम सॉन्ग। रवीना टंडन आइटम गर्ल बन के सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त के साथ लगाएंगी ठुमके। लगातार काफी समय से बॉलीवुड एक से बढ़कर एक फ्लॉप फिल्में दे रहा है, लेकिन अब कुछ मेकर्स हैं जो फिल्में इस तरह की बना रहे हैं, जिससे यह उम्मीद बढ़ चुकी है कि आने वाली रिलीज फिल्में बॉलीवुड को एक अलग और नया मुकाम देगी। हाँ दोस्तों, क्योंकि अगले साल सदी के चार महानायक एक फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं। आप तो समझ ही गए होंगे कि हम बात फिल्म बाप की कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ 80 और 90 के दशक इन चारों कलाकारों के नाम रहे हैं। एक्शन और ड्रामा जॉनर में इन चारों कलाकारों ने कई हिट फिल्में दी और आज भी इनके चाहने वालों की कमी नहीं है। हिंदी सिनेमा के चारों महारथी अब एक साथ एक ही फिल्म बाप में नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, अब बाप फिल्म से जुड़ी एक एक्साइटिंग भरी खबर हाथ लगी है। दरअसल सदी के महानायक की इस फिल्म में एक जबरदस्त आइटम सॉन्ग होने वाला है और इस सॉन्ग में आइटम गर्ल बनेगी बॉलीवुड की अदाकारा रवीना टंडन, जो फिल्म में इन चारों के साथ ठुमके लगाएंगी। पहली बार बॉलीवुड में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो अब तक किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि पहली बार तो फिल्म में एक साथ बॉलीवुड के चार एक्शन हीरो नजर आएंगे और दूसरी बात ये कि फिल्म में आइटम गर्ल रवीना टंडन देखने को मिलेंगी।
टिप टिप बरसा पानी में लोगों को पानी पानी करने वाली रवीना टंडन अब इस फिल्म में इन कलाकारों को पसीना छुटवाएंगी। अहमद खान निर्मित और विवेक चौहान के निर्देशन में बन रही फिल्म बाप की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब प्रमोशनल कैंपेन शुरू हो गया है, जिसके तहत इनके लुक्स और किरदारों का परिचय दर्शकों से करवाया गया है। इसी क्रम में 22 दिनों सनी, मिथुन, संजय और जैकी के किरदारों के नाम और लुक रिवील किए गए। तो आप कितने एक्साइटेड हो इस फिल्म के आइटम सॉन्ग को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट कर जरूर बताएं। 80s के चार एक्शन लेजेंड दिखे एक साथ, संजय, सनी, मिथुन, जैकी की चौकड़ी सिंगल स्क्रीन पर मचाएगी गदर। भारतीय सिनेमा एक्शन के रंग में रंगता नजर आ रहा है। दक्षिण की एक्शन फिल्में पिछले कुछ सालों से एक पर एक सफलता हासिल कर कीर्तिमान रच रही है। हालांकि बॉलीवुड की फिल्में भी अपने स्केल के हिसाब से हिट होती रही है, मगर दक्षिण की तुलना में हिंदी सिनेमा बड़े स्केल पर मसालेदार एक्शन में रची बसी फिल्में नहीं बना रहा। अब जबकि बॉलीवुड की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही है, दर्शकों को आकर्षित करने के लिए फिल्म मेकर एक्शन में नए जोखिम उठाने को कमर कस रहे हैं। इसी कड़ी में एक एक्शन फिल्म की चर्चा ध्यान खींचने वाली है। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर अहमद खान ने एक्शन में एक अनोखी कहानी दिखाने के लिए बड़ा रिस्क लेने का मन बनाया है। पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार अहमद खान ने जी स्टूडियोज के साथ हाथ मिलाया है। उनके प्रोजेक्ट का निर्देशन विवेक चौहान करेंगे। प्रोजेक्ट में बॉलीवुड के चार दिग्गज सितारे नजर आ सकते हैं। ये सितारे हैं सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ। 80 के दशक में इन सभी सितारों ने मसाला एक्शन फिल्मों से ही बड़ी पहचान बनाई और दर्शकों बॉलीवुड पर राज करते रहे। चारों अभिनेता अभी भी बॉलीवुड में सक्रिय है। हालांकि सनी देओल को छोड़कर बाकी के अभिनेता चरित्र भूमिकाओं या नकारात्मक भूमिकाओं में ही नजर आ रहे हैं। सनी देओल ने जरूर अभी भी हीरो के रूप में मोर्चा नहीं छोड़ा है। ब्लॉकबस्टर गदर का सीक्वल बनाई जा रही है। सनी अमीषा पटेल के साथ लीड करते नजर आएंगे। यह उनका दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ सालों में तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। अहमद खान का प्रोजेक्ट क्या होगा अभी इस बारे में बहुत डिटेल सामने नहीं है, लेकिन उनके हाथ जो स्क्रिप्ट लगी है उसे बेहतरीन बताया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि बस इसी महीने के मध्य से फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। जो भी हो, यह एक प्रायोगिक एक्शन फिल्म नजर आ रही है। गुजरे जमाने के चार बड़े एक्शन स्टार को एक एक्शन फिल्म में देखना वाकई दर्शकों के लिए दिलचस्प अनुभव होगा। अहमद खान ने जरूर किसी बढ़िया कहानी के आकर्षण में इतना बड़ा रिस्क उठाने का मन बनाया है। चारों अभिनेताओं की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। 40 साल की उम्र से ऊपर तमाम दर्शक आज भी इन्हें याद करते हैं। हो सकता है कि निर्माताओं ने कलाकारों के स्टारडम को आज की ऑडियंस के लिहाज से बुनाने की तैयारी की हो। इसमें कोई शक नहीं कि एक अच्छी कहानी होने की स्थिति में चारों कलाकार बॉक्स ऑफिस पर किसी भी फिल्म को अपने कंधे पर ढोने में पूरी तरह से सक्षम है। जमाना भी एक्शन फिल्मों का दिख रहा है, तो कारोबारी उम्मीद किया जाना भी गलत नहीं होगा। हो सकता है कि प्रोजेक्ट के साथ कुछ नए सितारों को भी जोड़ा जाए और एक ऐसी मुकम्मल कहानी दिखे जिसमें चारों बड़े अभिनेता अपने किरदार के साथ न्याय करते नजर आए। वो चाहे मिथुन चक्रवर्ती हो, संजय दत्त या जैकी श्रॉफ, इन कलाकारों ने नकारात्मक और चरित्र भूमिकाओं में भी अपनी छाप छोड़ी है। संजय दत्त तो कुछ हफ्ते पहले रिलीज हुई KGF 2 में यश के साथ दिखे थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और दर्शकों को संजय का KGF 2 अवतार बहुत पसंद आया। अग्निपथ के लंबे वक्त बाद कई लोगों ने KGF 2 को संजय दत्त के करियर में एक गेम चेंजर फिल्म माना। चारों दिग्गजों को लेकर बन रही फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल है, अब तो टाइटल भी सामने आ रहा है। बॉलीवुड हंगामा ने सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के आधार पर बताया कि सनी, संजय, मिथुन और जैकी की फिल्म का टाइटल बाप होगा। फिल्म का टाइटल असल में अभिनेताओं और कहानी के हिसाब से रखा गया है। फिल्म को अगले साल किसी बड़े त्योहारी वीकेंड पर रिलीज करने की तैयारी है। निर्माताओं की योजना फिल्म के जरिए सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को आकर्षित करने की है। वैसे फिल्म कैसी है इसका पता तो तब चलेगा जब सिनेमा घरों में दर्शक इसे पास कर देंगे। अरे काश मेरा ऐसा चले।
मैम लेफ्ट में, हमरा पीछे मैम लेफ्ट में, मैम काम कर रहा है यार, मैम लेफ्ट में, अनुष्का जी हैंड हैंड कम ज्यादा हो रहा है, यस या परफेक्ट, ये कैमरा पीछे कर रहे हैं, हट हट, नहीं नहीं नहीं, आ भाई आ भाई, हट मैं बड़ा, अनुष्का जी अनुष्का जी, मैं भी अधिक कर रहा, मैं भी अधिक कर रहा, ऐसे मैं तुम भी अरे प्रेम में, अरे पीछे धक्का आ रहा है भाई, तुम लोग का पब्लिक ज्यादा है यार, हटो हटो, अरे नहीं नहीं इधर इधर, अरे यार भाई, अरे इस साइड, मैं इधर, अरे यार अनुष्का जी वो लोग कोई नहीं है यार, अरे इधर घुमाइए अनुष्का जी, इधर अनुष्का जी, इधर इधर इधर, अरे यार यार, मैम ये ऊपर ऊपर ऊपर, अरे यार गाड़ी में बिठा, भाई गाड़ी में बिठा दो, गाड़ी में बिठा दो अभी, अरे उधर बहुत फोटो दे रहे हैं भाई, अरे क्या चल रहा है, क्या समझ रहा नहीं भाई, रुक जा अभी, मत गाड़ी बैठ जाएगी, मत जा, मैम यहाँ ऊपर सेम पोज, मैम यो यो, अरे यार ए भाई, अरे यार थैंक यू, अरे यार
गिम्बल भाई गाड़ी ही नहीं दिख रही है। मैं जान दो भाई मेरी एक सोच है कि दुनिया में एक जबान और वो जबान है पैसे की जबान, वो है मेरा बिजनेस माइंडेड सोच। लेकिन मेरे दिल में मेरी फैमिली के लिए बहुत सारा प्यार है और मेरी फैमिली के ये गबरू मुंडे हैं मेरे भाई, ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। मेरा नाम भी काफी है कैरी बावेजा, क्या स्वैग है जड़ा, स्वैग है। और मेरा नाम है वीर, जैसे भैया के लिए पैसे की जुबान चलती है, मेरे लिए प्यार की जुबान चलती है। और मुझे पसंद है सबसे ज्यादा गाना, पर गाने गाते समय का मूड ठीक करता रहता हूँ बस। So we are the Brar Brothers, और अब टाइम है बुलाने का मोंगा सिस्टर्स को। So मोंगा सिस्टर्स प्लीज बी ऑन स्टेज।
आपने देख लिया? तो दैट्स तेरी मेरी डोरियां, अब देखते हैं किसकी डोरी किसके साथ बनती है, और उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। लेकिन हमारा शो आए उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरत है हमें प्यार की, आशीर्वाद की, जो हमें मिलेगा हमारी फैमिली से। सो लेट मी इंट्रोड्यूस द ब्रार फैमिली। उसमें सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा ऑन स्टेज लुधियाना की शान मिस्टर अकाल सिंह ब्रार, हमारे कारगी। और इनके साथ इनके दिल की धड़कन जपजोत कौर ब्रार, ये हमारी फैमिली के लवबर्ड्स हैं, बचपन से प्यार करते हैं एक दूसरे को और इस फैमिली को साथ में रखा हुआ है। लेट मी कॉल ऑन स्टेज नाउ माय फादर मिस्टर इंद्रपाल ब्रार, द एल्डेस्ट सन ऑफ द ब्रार फैमिली, एंड माय स्वीट मदर द क्लासी वन मनवी कौर ब्रार। कुछ सुनी कर लो यार। Very warm, one of the finest actors, I am, Jasleel ji, all very cute sister, Kiara. और अब मैं बुलाना चाहूँगा अपने मम्मी पापा और बहन को, तो जसपाल सिंह ब्रार आ जाइए। कितने लोग आ रहे हैं? बहुत हैं, बहुत हैं। और मेरी मम्मी जी, गुरलीन जी, आइए। अभी और हमारी सबसे चुलबुली जो बुआ है, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा स्टेज पर, प्रभजोत कौर और उनके हस्बैंड हंसराज संधु। और हम सबकी आंखों का तारा हमारा प्यारा प्रिंस, आजा हीरो ऑफ द शो। अरे ये लोग नजर लगा रहे हैं क्या? हो गया तुम भी बुला लो। बुला रहे हैं ए, थोड़ा सा प्लीज। हमारे दिलों में जगह बहुत है साईवती। चलो अब अपनी बारी। अगर आपकी छोटी सी फैमिली का इंट्रोडक्शन हो गया हो तो हम अपनी बड़ी सी फैमिली को बुला लें। जी तो मैं बुलाती हूँ अपने प्यारे से पापा जी को, अजीत सिंह मोंगा। मम्मी यार छेती छेती आ जाओ, वैसे ही यहाँ जगह कम है, आओ जल्दी। स्क्रीन के ऊपर देखने का मौका आपको मिलेगा बस कुछ दिनों के बाद, यानी कि 4 जनवरी से हमारा ये शो तेरी मेरी डोरियां स्टार प्लस पे रिलीज हो रहा है। तो प्लीज देखना ना भूलें। और हम सब की आपस में जो इक्वेशन है वो हेट लव हेट रिलेशनशिप, मैं मोना क्यों हूँ, मैं सिख के गेटअप में क्यों नहीं हूँ, हमारी वाइफ के साथ मेरी प्यारी धर्म पत्नी के साथ मेरा क्या रिश्ता है, मेरे दार जी के साथ मेरा क्या रिश्ता है, बेटे के साथ सबका आपस में क्या रिश्ता है, ये सब देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, यानी 4 जनवरी का। थैंक यू।
थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। शाम को 7 बजे। थैंक यू जी। कोई नहीं, हम आपकी गलतियों को सुधारते रहेंगे। गलती का मौका नहीं देंगे। देखते हैं, पता चलेगा। हो गया, चलो। थैंक यू गाइस। चलो 1-2-1। So hi guys, good to see you all. काफी चेहरे तो जाने पहचाने लग रहे हैं, so we can start the press con now. जी हाँ, ये जो आपने अभी रैप देखा, जो प्रमोशनल सॉन्ग देखा, उसमें कहीं ना कहीं आपको समझ आ ही गया होगा कि सबके कैरेक्टर्स क्या हैं। सो हम एक एक करके बता भी देते हैं अपनी तरफ से। मैं ब्रार फैमिली की 3rd जनरेशन का सबसे बड़ा बेटा हूँ, भगत सिंह ब्रार, जिसने अपने दादाजी की ज्वेलरी के बिजनेस को काफ़ी आगे बढ़ाया है, ग्लोबली लेकर गया है, एंड बिजनेस है जो उसके दिमाग में बहुत चलता है। ही थिंक्स दैट मनी कैन बाय एवरीथिंग, मनी इज अ लैंग्वेज जो सबको समझ में आती है, बट एट द सेम टाइम अगर हम घर की बात करें तो अपने घर वालों से बहुत प्यार करता है, अपने दादाजी से बहुत प्यार करता है, उनके जैसा बनना चाहता है, उनकी आंखों में हमेशा अच्छा दिखना चाहता है। हर फैमिली की तरह इस फैमिली में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो डिसफंक्शनल तो नहीं कह सकते हम, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन द एंड सब लोग एक साथ हैं। तो कैसे एक दूसरे में प्यार है, ये उसकी भी कहानी है, और दूसरा ये कि आगे आपको बताएंगे जब ये अपने कैरेक्टर्स बताएंगे, जब सब अब बताएंगे आपको पता चलेगा कि स्टोरी आगे कैसे मूव करती है। हेलो तो जी, मेरा कैरेक्टर है जो वो है गैरी बागीचा अनुराधा प्रार। तो मेरा कैरेक्टर बहुत ऑपोजिट है जो मैं रियल लाइफ में हूँ। रियल लाइफ में थोड़ा सा इंट्रोवर्ट तो नहीं, उससे एम्बिवर्ट हूँ, और ये जो कैरेक्टर है एकदम एक्सट्रोवर्ट है। इसे फन करना पसंद है, कुड़ियाँ घुमाना पसंद है, याशी इस टाइप का इंसान है। पैसा कमाने का इसको आइडिया नहीं है कि कैसे कमाया जाता है, लेकिन ये जानता है कि हाँ याशी ऐसी होती है। रियल लाइफ में थोड़ा वैसा नहीं हूँ, ऑब्वियसली थोड़ा ये चीज़ें पसंद है, लेकिन मेहनत करने के बाद, हाँ मेहनत भी बहुत जरूरी है, पैसा कमाना भी बहुत जरूरी है। तो इस टाइप का मेरा कैरेक्टर है, बहुत फन लविंग है और बहुत मजा आ रहा है। आप जैसे मेरा आउटफिट देख सकते हो, पियर्सिंग है, टैटू है, पीछे भी, बैक पे भी, लव हैंडल्स पे भी, तो आई एम लविंग दिस। और काफ़ी चैलेंजिंग है और मुझे ऐसा ही करना था। ऑब्वियसली चैलेंज अगर कैरेक्टर में होगा तो भी मजा आएगा, नहीं तो एक बोर्डम हो जाता है। तो आई एम लविंग। हाँ जी, तो जैसा मैंने बताया कि मेरा नाम वीर है शो में, और पता है कुछ कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करता था मैं। सबसे पहली बात तो वीर नाम से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था। काफ़ी सालों से अपने घर में मैं बोलता था कि देखो वीर नाम रख दो, जतन से वीर कर दो, और मुझे वीर का शो मिल गया। और दूसरी बात, वो और भी दिल के मेरे बहुत करीब थी, तो है वो है सिंगिंग। तो मैं हमेशा से चाहता था कि मैं ऑडियंस को कैसे ना कैसे अपना छोटा सा जितना भी टैलेंट है दिखा पाऊँ, और यहाँ तो बल्ले बल्ले ही हो गई। यहाँ मुझे गाने गाने को मिल रहा है, नाचने को मिल रहा है। तो वीर सिंह ब्रार आर्ट लव है, जो भी आर्ट से कनेक्टेड चीज़ होती है, उससे एसोसिएटेड चीज़ होती है, वो मेरे दिल के ऑटोमेटिकली खड़ी हो जाती है। तो जहाँ तक डोरियों का सवाल है, तो कौन सी कैसी किसके डोरियों से कनेक्ट होगी वो तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। और बाकी बड़े भैया मर्यादा पुरुषोत्तम राम है मेरे लिए, और मैं उनके पीछे लक्ष्मण बन के घूमता रहता हूँ, नाम हो जाते हैं। और बाकी घर वालों के साथ सबसे अटैच है। और इतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि मैं खुद एक पंजाबी हूँ, तो एंड वी आर डूइंग हिंदी शो, तो इट्स नॉट दैट पूरी पंजाबी बोल रहे हैं, बट या वो जो थोड़ा बहुत
डायलेक्ट होता है वो तो इनबिल्ट है ही. पहले ये ट्राई करना पड़ता था कि ये ना आए डायलॉग्स में, अब कोई टेंशन ही नहीं है. जब मुझे पता चला कि इस शो में जो कैरेक्टर है वो सीख है, तो मैंने पहले ऐसा कभी किया नहीं, तो आई वॉन्टेड टू डू दिस. तो मैंने एक वजह वो थी, दूसरी ये कि स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी मुझे जब ब्रीफिंग मिली. तो इतने ज़्यादा रीजंस नहीं चाहिए थे, पिछला शो ख़त्म हुआ था, दूसरा मिल गया, बट लुक इट अप. हेलो एवरीवन, मैं हूँ मोंगा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी सीरत कौर मोंगा. सबसे बड़ी है ये, लेकिन इसकी हरकतें बड़ों जैसी बिल्कुल भी नहीं है. इमेच्योर है, उसको लगता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन लोगों की बातों में भी बहुत जल्दी आ जाती है. शुरू से ही एक हाई फाई लाइफ और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और लंबी लंबी गाड़ियों में घूमना, ये सब चीज़ें उसे बहुत अट्रैक्ट करती है. लेकिन ये सब करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, जो कि उसके बस की बात नहीं है. और उसको ये भी लगता है कि मैं तो खूबसूरत हूँ, मैं क्यों ये सब चीज़ें करूँ, और लोग हैं मेरे लिए ये सब चीज़ें करने के लिए. और अब तक उसके साथ जो भी हुआ है लाइफ में वो ऐसा ही हुआ है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है. सब कुछ या तो उसकी मम्मी ने या फिर उसके बॉयफ्रेंड्स ने उसको लाके दिया भी है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है लाइफ में. उसको लगता है कि सब चीज़ें जैसा वो चाहती है उसकी लाइफ में ऐसे ही होती जाएंगी. लेकिन उसका वीक पॉइंट है कि वो मैनिपुलेट हो जाती है. तो कैसे हमारी स्टोरी में वो एक मैनिपुलेशन की वजह से उसका पूरा लाइफ चेंज हो जाती है, इसी के बारे में है. वो आपको आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा. बट बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि रियल लाइफ में मैं ऐसी नहीं हूँ. आई बिलीव इन हार्ड वर्क एंड मुझे लगता है कि हार्ड वर्क से ही होता है. तो देखते हैं स्टोरी कैसे जाती है, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड. हेलो, आप सबसे हैं, लोकेशन क्या यूज किया गया है और शूटिंग के लिए कहां स्पेशली आप लोग गए थे और वहां भी क्या कुछ आपने एक्सप्लोर किया? हम लोगों ने आउटडोर शूट किया था, हम लोग पंजाब गए थे, चंडीगढ़ गए थे शूट के लिए. कुछ पार्ट है जो कि हमने वहां भी शूट किया है, लेकिन हम लोग का सेटअप है जो यहीं पर लगा हुआ है. एक्चुअली साहिबा कौर मोंगा जो है वो एक आर्टिस्ट है, और जितनी अच्छी वो आर्टिस्ट है उतनी ही बुरी आर्टिस्ट मैं अपनी रियल लाइफ में हूँ. तो मुझे आर्ट का ए भी नहीं आता है, बट थैंकफुली इस कैरेक्टर में मुझे परफॉर्म करने से पहले सिखाया जाता है. जैसे हमने लुधियाना में हमारा एक सीक्वेंस था जिसमें हम पोट्री मेकिंग कर रहे थे. तो जैसे आजकल तो क्या होता है, जब हम पॉट बनाते हैं तो उस व्हील पे ना एक मोटर लगा दी जाती है जिससे पर्सन इजीली मड रख के इजीली पॉट्स बना लेते हैं. बट हम एस्थेटिक्स में घुसे और हमने उसको जो बहुत बड़ा ही वो व्हील था सीमेंट का था, बहुत हेवी था, तो उसको हमें स्टिक से उसको रोटेट करना था. तो वो मैंने पहले बैठकर सीखा, उसकी वजह से 2-3 बार अपने आपको मारा लगी मुझे उसकी वजह से. बट उसकी वजह से मुझे थैंकफुली पॉट थोड़ा बहुत तो बनाना. हेलो एवरीवन, मैं कीरत कौर मोंगा हूँ, और इस कैरेक्टर को मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया है बिकॉज दिस इज समथिंग आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू, जिसमें द गर्ल इज एक्चुअली डूइंग आउट ऑफ द बॉक्स. एंड इस कैरेक्टर ने जितनी चीज़ें मुझे सिखाई हैं उतना मैं रियल लाइफ में बिल्कुल अपोजिट हूँ. मैंने जिम नहीं किया, कभी वेट्स नहीं उठाए, कभी मैं मतलब इमेजिन नहीं कर सकती वो कर सकती हूँ, बिकॉज मैं रियल लाइफ में एक योगा पर्सन हूँ और यहाँ पे मुझे 25 किलो का उठौड़ा उठाना है और उसे मारना है या मुझे वेट लिफ्टिंग करनी है. सो दिस इज समथिंग विच इज गिविंग मी स्ट्रेंथ एंड मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर. सो आई रियली रियली हैप्पी विद द कैरेक्टर. एंड किरण का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली घर की सबसे छोटी बेटी है और अपनी बड़ी बहन की सबसे लाडली भी है. एंड किरण अपनी बड़ी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अपनी सबसे बड़ी बहन को भी करती है, मगर शी इज लाइक अ
भाई बहन का जो रिश्ता नहीं होता जिसमें लेग पुलिंग होती है, सो ऑल द टाइम यू सी कि कीरत जो है वो अपनी सबसे बड़ी बहन की हमेशा टांग खींचती रहती है और वो उनको प्यार से नाम भी दे रखा है सिंधी बेबी. सो कीरत अपनी सबसे बड़ी बहन को सिंधी बेबी बुलाती है और पापा से बहुत अच्छा रिश्ता है कीरत का, पापा को भी बहुत प्यार करती है. मम्मी से यह है कि मम्मी की जो चाहते हैं वो हम लोगों से कई ज़्यादा ऊपर है, तो मम्मी से ऐसे कई बार वो परेशान हो जाती है कि यार मम्मी क्या कर रहे हो आप. और मम्मी का जो रिश्ता है वो एकदम माँ बेटी का नहीं है, बेटा होना है होता है ना घर का उसका है, चपेट मार देनी है, कभी भी कुछ भी कह देना है, कहीं भी खींच के ले जाना है. सो शी लव्स हर मदर एज वेल. दिस रिलेशनशिप इज समथिंग रियल डिफरेंट यू विल सी ऑन स्क्रीन. सो आई एम एक्चुअली वेरी ब्लेस्ड विद कैरेक्टर एंड टू बी ऑनेस्ट व्हेन आई वाज रियल यंग आई वाज लाइक 6 इयर्स ओल्ड. That time I manifested to work with Star Plus and I'm so 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 blessed that I got a chance to work with such great actors because I've seen them all on TV and I used to think ki, oh my god one day I really want to work with them. So it's a blessing to me. Thank you everyone. Thank you so much mama. Thank you. Thank you Star Plus. Thank you. That's it. हेलो हेलो. इतने सारे ब्यूटीफुल फेसेस देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. ये मेरा सवाल आपसे ये है कि कितना एक्साइटिंग ये होने वाला है और कितनी मजबूत होने वाली है ये डोरियां. और बहुत सारे ब्यूटीफुल फेसेस देखे तो मैंने बोला ये सवाल पूछना जरूरी है और बल्क में ब्यूटी देख रहा हूँ. थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. पर किसकी डोरी किसके साथ बंधे पहले ये हमें पता चल जाए फिर पता चलेगा कि कितनी मजबूत होती है. वो उस पर डिपेंड करता है सही जगह पे टाका भिड़ रहा है कि नहीं. तो मेरे तो ये विचार है आप लोग जैसे आपने बल्क में ब्यूटी देखी ऐसी बल्क में टीआरपी भी थोड़ा तो मजा है ना. इतनी ब्यूटी है इतना ब्यूटीफुल हमारा परिवार है उधर है तो टीआरपी थोड़ा 7 बजे बस लग जाना चाहिए उसके बाद सब कर लेना. क्योंकि दोनों परिवार यहाँ पर है, हम जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि कौन से परिवार है जो किस पे कौन सा भारी पड़ने वाला है. मम्मी भारी मेरे क्लास लोग ना मेजर एडजस्ट करते हैं और वो सब जगह में एडजस्ट करके ना कर ही लेते हैं. अमीर लोगों को गरीब घर में पहुँचाओगे ना वो कर नहीं पाएंगे, बट गरीब लोगों को अमीर घर में पहुँचाओ वो छा लेंगे. हम बोलेंगे नहीं करके दिखाएंगे. चाहती हूँ अमीर घर में. हम तुम्हारे घर में आके तुम्हारी बैंड बजाएंगे. वेट एंड वॉच. प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे घर में कर रहे हो. ये मेरे कहा ना अमीर घर में आना चाहते हैं. आ जाओ आ जाओ हमारे दिल बहुत बड़े खुले हैं तुम तीनों के लिए आ जाओ. आपने हमारी मम्मी और पापा को नहीं देखा. हमारी मम्मी सबके वाली वो अकेली काफी हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनके लिए. ठीक है यार है तो हम हिस्सा सब ऑफ
स्टार परिवार. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. For the first time हुआ है ये इंडियन टेलीविजन पे, so of course अच्छा लग रहा है, वाइब अच्छी है, बोल अच्छे हैं, स्टोरी बता रहे हैं तो समझ में भी आ रहा है कि सबके कैरेक्टर्स क्या है, सो इट्स अ गुड थिंग. और नई नई चीज़ें आती जा रही हैं तो टेलीविजन एक इतना बड़ा मीडियम है जहाँ पे ये सब एक्सपेरिमेंट होने चाहिए और मुझे लगता है कि बिल्कुल करेक्ट तरीका है ये आगे बढ़ने का. Yeah, we loved it. It was a new idea. और normally promos जैसे होते हैं कि scene की तरह with a VO या कुछ आप कहानी को बताते हैं कि ऐसा है इन इन किरदारों की ये है कहानी वगैरह वगैरह. But इसने पूरी vibe ही change कर दी. So it's enjoyable also at the same time. So हमारे दोनों चीजें हो गई, ये promotion भी और it was fun shooting this also. Thanks. Thank you. Thank you guys. Thank you so much. Grow photo. So we are doing a tug of war between the brass and the mongas now. Everybody. So let's see who wins. ऐसे जरूरत नहीं करने की यार, जरूरत नहीं करने की. साफ दिख रहा है, हमें दिख रहा है. सर सर ये देखिए ऐसा देखिए सर. आ जाइए सब लोग. भाई गुड मॉर्निंग. चलो पीछे जूम है क्या, ये दिख रहा है ना, ये चलो ऊपर कर दो. एक्शन. अरे मैडम जी आपने तो रस्सी तोड़ दिया. संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल और जैकी श्रॉफ की फिल्म बाप की कहानी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा. जाने क्या होगी फिल्म की कहानी. 90 के दशक की यादें एक बार फिर से दर्शकों के दिल में ताजा करने के लिए सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ ने अपनी कमर कस ली है. कुछ दिनों पहले ही संजय दत्त ने अपनी आगामी फिल्म बाप ऑफ ऑल फिल्म का पहला पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया था. इस पोस्टर में बॉलीवुड के चार सुपरस्टार एक्टर्स को साथ में देखने के बाद फैंस काफी
बेसब्र हो गया था। और अब दोस्त फैंस की उत्सुकता और बढ़ाने के लिए बाप की कहानी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर फिल्म में क्या कहानी होने वाली है। दरअसल फिल्म में कहानी है तीन कैदी और एक वकील की, और फिल्म में तीन कैदी के रूप में हमें जैकी श्रॉफ, सनी देओल और संजय दत्त देखने को मिलेंगे। वही वकील के किरदार में मिथुन चक्रवर्ती नजर आएंगे। फिल्म में सनी देओल की किरदार को लेकर बताया जा रहा है कि वह फिल्म में एक सनकी और खतरनाक कैदी के किरदार में देखने को मिलेंगे। वही जैकी दादा और संजय दत्त फुल एक्शन और कॉमेडी में नजर आएंगे, और फिल्म में ये दोनों एक दूसरे के भाई बने हुए है। वही वकील का किरदार निभा रहे मिथुन चक्रवर्ती भी एक ऐसे वकील का किरदार निभाएंगे जिनसे वकालत ठीक से नहीं होती है और हर केस हारी जाते हैं, और इसलिए ऐसे वकील को इन तीनों का केस दिया जाता है जिससे वह कभी इन्हें जेल से आजाद ही ना करवा सके। यह तीन कैदी जो इस जेल में आकर फंसे हैं, वह अपने किसी कारण की वजह से कैद किए गए है। बात करी जाए सनी देओल की, तो सनी देओल के कैरेक्टर को देखकर ऐसा लगता है कि वह मारपीट की वजह से उन्हें जेल में कैद किया गया है। वही बाकी के दो किरदार को लेकर ऐसा लग रहा है कि संजय दत्त और जैकी श्रॉफ जेल में इस वजह से आए हैं कि वो दोनों ही बड़े चोर हैं। और अब इन तीनों की ही वकालत करने के लिए फिल्म मिथुन चक्रवर्ती को चुना गया है। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती के लिए ये तीनों ही बड़े परेशानी है, क्योंकि जब उनके बाहर आने का वक्त होता है तो वो जेल में ही ऐसा कुछ कांड कर देते हैं जिसके चलते लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। सनी देओल मारपीट से जेल में फंसे रहते हैं। वही इसी तरह कुछ संजय दत्त और जैकी श्रॉफ भी करते हैं, जो यहाँ बाकी कैदी को परेशान करे उन्हें उकसाने में लगे रहते हैं। यहाँ यह दोनों ज्यादातर सनी देओल को गुस्सा दिलाते हैं ताकि वो पूरी जेल को तहस नहस कर दे, और ये दोनों दोस्त भागने में भी सफल रहे। बता दी कि यह फिल्म कॉमेडी के साथ साथ एक्शन फुल धमाका होने वाली है। कहानी में और कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए कॉमेडी दुनिया के मशहूर कलाकार जॉनी लीवर भी इस फिल्म में नजर आने वाले है। यह तो बात थी फिल्म की कहानी को लेकर। अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी और भी कुछ खास बातें। 80 और 90 के सुपरस्टार को ऐसे साथ में देखना दर्शकों के लिए बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। इस बीच संजय दत्त ने बाप ऑफ ऑल फिल्म से BTS वीडियो शेयर किया है, जो कि काफी फनी और दिलचस्प है। इस वीडियो में सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती व सभी स्टार्स का पर्दे के पीछे का अंदाज देखने को मिला है। आइए आपको भी दिखाते हैं बाप का BTS वीडियो। संजय दत्त ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, पर्दे पर ये करे कमाल और पर्दे के पीछे खुद ही देख लो फुल धमाल। बवाल और मस्ती है बॉस, आइए आपको दिखाते हैं बाप की पहली झलक, वो भी सेट से। साथ ही एक्टर्स ने अपने को स्टार को टैग भी किया है। बाप के BTS वीडियो में पर्दे के सीन्स को दिखाया गया है, कैसे फिल्म की शूटिंग हुई और कैसे स्टार्स ने एक्शन किया। जहां एक और सनी देओल की तोड़फोड़, तो जॉनी लीवर का मस्ती भरा अंदाज दिखाई दे रहा है। वही मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ का लुक भी देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल स्टार फिल्म की इस वीडियो को देखने के बाद फैंस काफी उत्सुक हो गए हैं, और अभी से बाप ऑफ ऑल फिल्म्स को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। फिल्म के इस वीडियो को शेयर करते हुए संजय दत्त ने कैप्शन में लिखा, पर्दे पर ये करे कमाल और पर्दे के पीछे खुद ही देख लो फुल ऑन धमाल। बवाल और मस्ती बेमिसाल, ये आपके लिए सेट से एक झलक। इस वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, कोई मूवी धमाल मचाए या ना मचाए, लेकिन ये फिल्म धमाका जरूर करेगी। दूसरे यूजर ने लिखा, बाबा जान ऐसे वीडियो पोस्ट करके क्यों तड़पा रहे हो, बस अब इंतजार नहीं होता। अन्य यूजर ने लिखा, सारे सुपर हीरो एक साथ, इस फिल्म को अहमद खान प्रोड्यूस कर रहे है। ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर है। बाप फिल्म में जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, सनी देओल, जॉनी लीवर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे स्टार है। ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी। बाप फिल्म में हुई बॉलीवुड की दो बड़ी दिग्गजों की एंट्री, एक हंसाएगा तो वही एक नचाएगी। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार सनी देओल बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार है। हाल ही में सनी देओल ने यह ऐलान किया कि वो बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ, संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म बाप में नजर आने वाले हैं। अरे दोस्तों, हर किसी के लिए काफी एक्साइटिंग खबर है, क्योंकि एक साथ चार बड़े दिग्गजों को एक फिल्म में देखना हर किसी के लिए सुनहरा मौका होने वाला है। ऐसे में इस एक्शन पैक्ड फिल्म के लिए फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। बता दें कि लंबे अरसे के बाद ये दिग्गज कलाकार एक साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए कमर कस चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपके लिए इस फिल्म से दो बड़ी खबर लेकर आए हैं। अब तक आपने जाना कि इस फिल्म में सनी देओल, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल देखने को मिलने वाले हैं, और ये चारों ही 1890s के कलाकार हैं। लेकिन आपको यह बता दें,
कि अब इस फिल्म में दो बड़े और दिग्गजों की एंट्री हो चुकी है। हाँ, दरअसल दोस्तों कॉमेडी के किरदार में इस फिल्म में जॉनी लीवर की एंट्री हो चुकी है। हाँ, आपको बता दें कि इस फिल्म में कॉमेडी के किरदार में जॉनी लीवर देखने को मिलने वाले हैं और हम सब जानते हैं कि जॉनी लीवर की कॉमेडी किस हद तक होती है, वह किस तरह लोगों को एंटरटेन करते हैं। हम उनकी 90s की फिल्मों में भी देख चुके हैं, यहाँ तक कि हम उनकी रिसेंट फिल्मों में उनकी कॉमेडी से वाकिफ है। और जब किसी फिल्म में जॉनी लीवर की एंट्री हो तो वह फिल्म में कॉमेडी का जलवा किस कदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यह फाइनल हो चुका है कि फिल्म में जॉनी लीवर देखने को मिलने वाले है। अब बात करें फिल्म के दूसरे बड़े दिग्गज कलाकार की, तो हम बात कर रहे हैं रवीना टंडन की। हाँ दोस्तों, इस फिल्म में रवीना टंडन भी आपको देखने को मिलने वाली है। 90s की एक्ट्रेस की रवीना टंडन की हमने एक से बढ़कर एक फिल्में देखी है, लेकिन वह अब पहली बार इन चारों कलाकारों के साथ देखने को मिलने वाली है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिल्म बाप में रवीना टंडन एक आइटम सॉन्ग में देखने को मिलने वाली है, जो इन चारों के साथ थिरकती नजर आएंगी और ये सभी के लिए काफी एक्साइटिंग हो। वही दोस्तों, अब बात करें सनी देओल की, तो बॉलीवुड में अब सनी देओल लंबे वक्त के बाद अपनी धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं। जैसा कि हमने देखा कि वह फिल्म बाप में तो नजर आने वाले हैं, लेकिन उनके पास फिलहाल एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जिसमें वह कमाल का एक्शन करते नजर आएंगे। तो आइए जानते हैं उनकी अपकमिंग फिल्मों के बारे में। तो उनकी फिल्मों को लेकर बताया जा रहा है कि वह बाप के अलावा फिल्म गदर 2 और अपने 2 में नजर आएंगी। गदर 2 की शूटिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और अपने 2 की शूटिंग वजल शुरू करने वाले हैं। बाप फिल्म 90s के दशक के लिए होने वाली है बेहद खास। सनी देओल, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और मिथुन दा के अलावा और दो 90s के बड़े एक्टर की हुई एंट्री। सनी देओल जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर अपना फिर से वो दौर लाएंगे जो 90s और 80s के दशक में हुआ करता था, क्योंकि सनी देओल जिस तरीके से अपनी आने वाली फिल्मों को अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इसको लेकर दर्शकों में फिर से सनी देओल के चर्चे होना शुरू हो गए हैं। उनकी आखिरी फिल्म चूप OTT पर धमाल मचा रही है। बता दें कि ये फिल्म को G5 पर रिलीज किया गया है और फैंस उस फिल्म को बेहद पसंद कर रहे हैं। सनी देओल की 2023 में आने वाली कई सारी फिल्में हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चे गदर 2 और बाप फिल्म का हो रहा है। गदर 2 को लेकर तो हमने आपको पहले भी कई सारी जानकारियां दी है, लेकिन बता दें कि बाप फिल्म के भी चर्चे इन दिनों जोरों पर है। जब से ये फिल्म से फिल्म के स्टारकास्ट के लुक रिलीज किए गए हैं, तब से ही दर्शकों में ये फिल्मों को लेकर काफी बज़ बना हुआ है और 90s के दशक अपने पुराने स्टारों को एक साथ देखने के लिए बेहद एक्साइटेड भी है। लेकिन यही एक्साइटमेंट आपकी और बढ़ने वाली है, क्योंकि ये फिल्मों में और दो नए स्टार की एंट्री हो चुकी है, जिनमें पहली है रवीना टंडन और दूसरी है जॉनी लीवर। आज की फिल्मों में हमें ये दोनों ना के बराबर देखने को मिलते हैं। जॉनी लीवर एक टैलेंटेड कॉमेडियन एक्टर है, फिर भी वो आजकल की फिल्मों में बहुत ही कम नजर आते हैं। लेकिन जब 90s के सुपरस्टार एक साथ आ रहे हो और 90s का कॉमेडियन ना हो, तो वो फिल्मों में मजा ही नहीं होता। इसलिए मेकर्स ने जॉनी लीवर को भी ये फिल्मों में लेने का फैसला किया है, जो कि वो एक प्लस पॉइंट होगा। इसके अलावा बता दें कि ये फिल्मों में 90s के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक रवीना टंडन की भी एंट्री हुई है। उनके रोल को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इतना कन्फर्म है कि बाप फिल्मों में रवीना टंडन हमें देखने को मिलने वाली है। बात करें हम ये फिल्म की, तो बाप फिल्मों में लीड रोल में संजय दत्त, सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ नजर आएंगे। ये फिल्मों को डायरेक्शन दे रहे हैं विवेक चौहान और फिल्मों को प्रोड्यूस कर रहे हैं अहमद खान। इसके अलावा बता दें कि ये फिल्मों में हमें धमाकेदार एक्शन और कॉमेडी दोनों नजर आने वाले हैं और ये फिल्म साल 2023 में रिलीज की जाएगी। हालांकि अभी तक ये फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ये फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट होगी, फिल्म की रिलीज डेट को भी अनाउंस किया जाएगा। और वैसे भी बता दें कि ये फिल्म की 50% शूटिंग कम्प्लीट भी हो चुकी है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है बाप फिल्मों को लेकर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें। फाइनली बाप फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग हुई कंप्लीट। 40 दिन तक सिर्फ शूट हुआ है क्लाइमेक्स। बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों एक फिल्म काफी चर्चा में बनी हुई है और वह फिल्म है बाप। बता दें कि इस फिल्म में बॉलीवुड के चार दिग्गज देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, सनी देओल और संजय दत्त नजर आने वाले हैं। यह फिल्म का हर किसी को इंतजार है। लेकिन दोस्तों, आज हम इस फिल्म से जुड़े आपके लिए एक बेहद ही एक्साइटेड बड़ी खबर लेकर आए हैं। खबर है फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग को लेकर। बताया जा रहा है कि फिल्म का क्लाइमेक्स अब फाइनली शूट हो चुका है। फिल्म के क्लाइमेक्स को शूट करने में 40 दिन लग गए हैं। यह क्लाइमेक्स एकदम एक्शन से भरा रहने वाला है, जिसमें ये चारों ही कलाकार फुल एक्शन मोड में नजर आएंगे। वैसे तो ये क्लाइमेक्स को पहले ही शूट किया जाना था, लेकिन सनी देओल की फिल्म चूप की वजह से इसे एक्सटेंड करना पड़ा और बीच में सनी देओल अपने ऑपरेशन के सिलसिले में USA गए थे और इसीलिए क्लाइमेक्स का शूट लंबा होता रहा। लेकिन अब फाइनली इस फिल्म का क्लाइमेक्स पूरा हो चुका है।
रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि क्लाइमैक्स में सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ एक्शन अवतार में देखने को मिलेंगे। ये काफी सुनहरा मौका होगा जिसमें 80 के दशक के ये चारों कलाकार फुल ऑन एक्शन में नजर आएंगे। बीते दिनों ही संजय दत्त ने इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया था। रिलीज किए गए इस BTS वीडियो में ये चारों ही एक्टर देखने को मिले थे। वीडियो को शेयर करते हुए संजय दत्त ने लिखा था, पर्दे पर ये करे धमाल और पर्दे के पीछे खुद ही देख लो, फुल धमाल बवाल और मस्ती है बॉस। आइए आपको दिखाते हैं बाप की पहली झलक, वो भी सेट से। साथ ही एक्टर ने अपने कोस्टार को भी टैग किया। बाप के BTS वीडियो में पर्दे के सीन्स को दिखाया गया है, कैसे फिल्म की शूटिंग हुई और कैसे स्टार्स ने एक्शन किया। जहाँ एक तरफ सनी देओल की तोड़फोड़ तो जॉनी लीवर का मस्ती भरा अंदाज देखने को मिला, वहीं सामने आए वीडियो में मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ का भी लुक नजर आया। फिल्म की रिलीज को लेकर बताया जा रहा है कि यह फिल्म को अगले साल रिलीज किया जाएगा और साथ ही यह भी खबर है कि फिल्म में एक धमाकेदार आइटम सॉन्ग रखा गया है जिसमें रवीना टंडन इन चारों के साथ ठुमके लगाते नजर आएगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो फिल्म के लिए? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। जल्द गदर मचाने आ रहे हैं सनी देओल, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती रवीना टंडन के साथ बाप फिल्म के आइटम सॉन्ग को लेकर आई बड़ी खबर। इन दिनों बॉलीवुड की दुनिया में एक फिल्म ने काफी चर्चा बनाई हुई है और वह फिल्म है बाप। दोस्तों, इस फिल्म की चर्चा के पीछे की वजह यह रही है क्योंकि पहली बार 1890s के दशक के चार एक्शन हीरो एक साथ नजर आने वाले हैं और यह हर किसी के लिए काफी सुनहरा मौका भी होने वाला है। बीते जमाने के चार सुपरस्टार को एक साथ देख फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। कमाल की बात तो यह है कि इस उम्र में ये सब फिल्म में एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। बीते दिनों ही इस फिल्म से इन चारों का फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया था जो आते ही सोशल मीडिया पर छा गया और लोगों ने इनके पोस्टर पर काफी प्यार लुटाया। बीते काफी दिनों से खबरों में यह भी चर्चा थी कि इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग होने वाला है और इस आइटम सॉन्ग में आइटम गर्ल के तौर पर रवीना टंडन देखने को मिलने वाली है। दरअसल इस फिल्म के आइटम सॉन्ग में रवीना टंडन इन चारों के साथ ठुमके लगाती नजर आएंगी। हालांकि अब इसी फिल्म के आइटम सॉन्ग को लेकर एक बड़ी खबर हाथ लगी है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के इस आइटम सॉन्ग को लेकर बताया जा रहा है कि अब फिल्म के आइटम सॉन्ग की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस सॉन्ग में हमें सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त के साथ 90s की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रवीना टंडन नजर आने वाली है। अब दोस्तों, इस फिल्म के बारे में थोड़ा कुछ जानें तो ये फिल्म को डायरेक्शन विवेक चौहान दे रहे हैं। इस फिल्म को अहमद खान, शार अहमद खान और जी स्टूडियो ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। बाप एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें भरपूर डायलॉगबाजी होगी और मीडिया के अनुसार फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग मुंबई की गोरेगांव स्टूडियो में 12 दिन तक चली है। इतना ही नहीं, शॉकिंग जानकारी तो यह है कि इस फिल्म के कलाकारों ने खुद स्टंट किए हैं। 72 साल की उम्र होने के बावजूद मिथुन दा ने डबल बॉडी लेने से इनकार कर दिया था। फिलहाल बॉलीवुड के चार सुपरस्टार की मच अवेटेड फिल्म बाप को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाप फिल्म में होगा धमाकेदार आइटम सॉन्ग। रवीना टंडन आइटम गर्ल बन के सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त के साथ लगाएंगी ठुमके। लगातार काफी समय से बॉलीवुड एक से बढ़कर एक फ्लॉप फिल्म में दे रहा है, लेकिन अब कुछ मेकर्स हैं जो फिल्में इस तरह की बना रहे हैं जिससे यह उम्मीद बढ़ चुकी है कि आने वाली रिलीज फिल्में बॉलीवुड को एक अलग और नया मुकाम देगी। हाँ दोस्तों, क्योंकि अगले साल सदी के चार महानायक एक फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं। आप तो समझ ही गए होंगे कि हम बात फिल्म बाप की कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ 80 और 90 के दशक इन चारों कलाकारों के नाम रहे हैं। एक्शन और ड्रामा जॉनर में इन चारों कलाकारों ने कई हिट फिल्में दी और आज भी इनके चाहने वालों की कमी नहीं है। हिंदी सिनेमा के चारों महारथी अब एक साथ एक ही फिल्म बाप में नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, अब बाप फिल्म से जुड़ी एक एक्साइटिंग भरी खबर हाथ लगी है। दरअसल सदी के महानायक की इस फिल्म में एक जबरदस्त आइटम सॉन्ग होने वाला है और इस सॉन्ग में आइटम गर्ल बनेगी बॉलीवुड की अदाकारा रवीना टंडन, जो फिल्म में इन चारों के साथ ठुमके लगाएंगी। पहली बार बॉलीवुड में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो अब तक किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि पहली बार तो फिल्म में एक साथ बॉलीवुड के चार एक्शन हीरो नजर आएंगे और दूसरी बात ये कि फिल्म में आइटम गर्ल रवीना टंडन देखने को मिलेंगी। टिप टिप बरसा पानी में लोगों को पानी पानी करने वाली रवीना टंडन अब इस फिल्म में इन कलाकारों को पसीना छुटवाएंगी। अहमद खान निर्मित और विवेक चौहान के निर्देशन में बन रही फिल्म बाप की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब प्रमोशनल कैंपेन शुरू हो गया है जिसके तहत इनके लुक्स और किरदारों का परिचय दर्शकों से करवाया गया है। इसी क्रम में 22 दिनों सनी,
मिथुन, संजय और जैकी के किरदारों के नाम और लुक रिवील किए गए। तो आप कितने एक्साइटेड हो इस फिल्म के आइटम सॉन्ग को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट कर जरूर बताएं। 80s के चार एक्शन लेजेंड दिखे एक साथ, संजय, सनी, मिथुन, जैकी की चौकड़ी सिंगल स्क्रीन पर मचाएगी गदर। भारतीय सिनेमा एक्शन के रंग में रंगता नजर आ रहा है। दक्षिण की एक्शन फिल्में पिछले कुछ सालों से एक पर एक सफलता हासिल कर कीर्तिमान रच रही है। हालांकि बॉलीवुड की फिल्में भी अपने स्केल के हिसाब से हिट होती रही है, मगर दक्षिण की तुलना में हिंदी सिनेमा बड़े स्केल पर मसालेदार एक्शन में रची बसी फिल्में नहीं बना रहा। अब जबकि बॉलीवुड की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही है, दर्शकों को आकर्षित करने के लिए फिल्म मेकर एक्शन में नए जोखिम उठाने को कमर कस रहे हैं। इसी कड़ी में एक एक्शन फिल्म की चर्चा ध्यान खींचने वाली है। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर अहमद खान ने एक्शन में एक अनोखी कहानी दिखाने के लिए बड़ा रिस्क लेने का मन बनाया है। पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार अहमद खान ने जी स्टूडियोज के साथ हाथ मिलाया है। उनके प्रोजेक्ट का निर्देशन विवेक चौहान करेंगे। प्रोजेक्ट में बॉलीवुड के चार दिग्गज सितारे नजर आ सकते हैं। ये सितारे हैं सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ। 80 के दशक में इन सभी सितारों ने मसाला एक्शन फिल्मों से ही बड़ी पहचान बनाई और दर्शकों बॉलीवुड पर राज करते रहे। चारों अभिनेता अभी भी बॉलीवुड में सक्रिय है। हालांकि सनी देओल को छोड़कर बाकी के अभिनेता चरित्र भूमिकाओं या नकारात्मक भूमिकाओं में ही नजर आ रहे हैं। सनी देओल ने जरूर अभी भी हीरो के रूप में मोर्चा नहीं छोड़ा है। ब्लॉकबस्टर गदर का सीक्वल बनाई जा रही है। सनी अमीषा पटेल के साथ लीड करते नजर आएंगे। यह उनका दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ सालों में तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। अहमद खान का प्रोजेक्ट क्या होगा अभी इस बारे में बहुत डिटेल सामने नहीं है, लेकिन उनके हाथ जो स्क्रिप्ट लगी है उसे बेहतरीन बताया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि बस इसी महीने के मध्य से फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। जो भी हो, यह एक प्रायोगिक एक्शन फिल्म नजर आ रही है। गुजरे जमाने के चार बड़े एक्शन स्टार को एक एक्शन फिल्म में देखना वाकई दर्शकों के लिए दिलचस्प अनुभव होगा। अहमद खान ने जरूर किसी बढ़िया कहानी के आकर्षण में इतना बड़ा रिस्क उठाने का मन बनाया है। चारों अभिनेताओं की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। 40 साल की उम्र से ऊपर तमाम दर्शक आज भी इन्हें याद करते हैं। हो सकता है कि निर्माताओं ने कलाकारों के स्टारडम को आज की ऑडियंस के लिहाज से बुनाने की तैयारी की हो। इसमें कोई शक नहीं कि एक अच्छी कहानी होने की स्थिति में चारों कलाकार बॉक्स ऑफिस पर किसी भी फिल्म को अपने कंधे पर ढोने में पूरी तरह से सक्षम है। जमाना भी एक्शन फिल्मों का दिख रहा है, तो कारोबारी उम्मीद किया जाना भी गलत नहीं होगा। हो सकता है कि प्रोजेक्ट के साथ कुछ नए सितारों को भी जोड़ा जाए और एक ऐसी मुकम्मल कहानी दिखे जिसमें चारों बड़े अभिनेता अपने किरदार के साथ न्याय करते नजर आए। वो चाहे मिथुन चक्रवर्ती हो, संजय दत्त या जैकी श्रॉफ, इन कलाकारों ने नकारात्मक और चरित्र भूमिकाओं में भी अपनी छाप छोड़ी है। संजय दत्त तो कुछ हफ्ते पहले रिलीज हुई KGF 2 में यश के साथ दिखे थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और दर्शकों को संजय का KGF 2 अवतार बहुत पसंद आया। अग्निपथ के लंबे वक्त बाद कई लोगों ने KGF 2 को संजय दत्त के करियर में एक गेम चेंजर फिल्म माना। चारों दिग्गजों को लेकर बन रही फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल है, अब तो टाइटल भी सामने आ रहा है। बॉलीवुड हंगामा ने सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के आधार पर बताया कि सनी, संजय, मिथुन और जैकी की फिल्म का टाइटल बाप होगा। फिल्म का टाइटल असल में अभिनेताओं और कहानी के हिसाब से रखा गया है। फिल्म को अगले साल किसी बड़े त्योहारी वीकेंड पर रिलीज करने की तैयारी है। निर्माताओं की योजना फिल्म के जरिए सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को आकर्षित करने की है। वैसे फिल्म कैसी है इसका पता तो तब चलेगा जब सिनेमा घरों में दर्शक इसे पास कर देंगे। संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल और जैकी श्रॉफ की फिल्म बाप की कहानी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। जाने क्या होगी फिल्म की कहानी। 90 के दशक की यादें एक बार फिर से दर्शकों के दिल में ताजा करने के लिए सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ ने अपनी कमर कस ली है। कुछ दिनों पहले ही संजय दत्त ने अपनी आगामी फिल्म बाप ऑफ ऑल फिल्म का पहला पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस पोस्टर में बॉलीवुड के चार सुपरस्टार एक्टर्स को साथ में देखने के बाद फैंस काफी बेसब्र हो गया था। और अब दोस्त, फैंस की उत्सुकता और बढ़ाने के लिए बाप की कहानी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर फिल्म में क्या कहानी होने वाली है।
दरअसल फिल्म में कहानी है तीन कैदी और एक वकील की, और फिल्म में तीन कैदी के रूप में हमें जैकी श्रॉफ, सनी देओल और संजय दत्त देखने को मिलेंगे। वही वकील के किरदार में मिथुन चक्रवर्ती नजर आएंगे। फिल्म में सनी देओल की किरदार को लेकर बताया जा रहा है कि वह फिल्म में एक सनकी और खतरनाक कैदी के किरदार में देखने को मिलेंगे। वही जैकी दादा और संजय दत्त फुल एक्शन और कॉमेडी में नजर आएंगे, और फिल्म में ये दोनों एक दूसरे के भाई बने हुए है। वही वकील का किरदार निभा रहे मिथुन चक्रवर्ती भी एक ऐसे वकील का किरदार निभाएंगे जिनसे वकालत ठीक से नहीं होती है और हर केस हारी जाते हैं, और इसलिए ऐसे वकील को इन तीनों का केस दिया जाता है जिससे वह कभी इन्हें जेल से आजाद ही ना करवा सके। यह तीन कैदी जो इस जेल में आकर फंसे हैं, वह अपने किसी कारण की वजह से कैद किए गए है। बात करी जाए सनी देओल की, तो सनी देओल के कैरेक्टर को देखकर ऐसा लगता है कि वह मारपीट की वजह से उन्हें जेल में कैद किया गया है। वही बाकी के दो किरदार को लेकर ऐसा लग रहा है कि संजय दत्त और जैकी श्रॉफ जेल में इस वजह से आए हैं कि वो दोनों ही बड़े चोर हैं, और अब इन तीनों की ही वकालत करने के लिए फिल्म मिथुन चक्रवर्ती को चुना गया है। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती के लिए ये तीनों ही बड़े परेशानी है, क्योंकि जब उनके बाहर आने का वक्त होता है तो वो जेल में ही ऐसा कुछ कांड कर देते हैं जिसके चलते लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। सनी देओल मारपीट से जेल में फंसे रहते हैं। वही इसी तरह कुछ संजय दत्त और जैकी श्रॉफ भी करते हैं, जो यहाँ बाकी कैदी को परेशान करे उन्हें उकसाने में लगे रहते हैं। यहाँ यह दोनों ज्यादातर सनी देओल को गुस्सा दिलाते हैं ताकि वो पूरी जेल को तहस नहस कर दे, और ये दोनों दोस्त भागने में भी सफल रहे। बता दी कि यह फिल्म कॉमेडी के साथ साथ एक्शन फुल धमाका होने वाली है। कहानी में और कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए कॉमेडी दुनिया के मशहूर कलाकार जॉनी लीवर भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। यह तो बात थी फिल्म की कहानी को लेकर, अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी और भी कुछ खास बातें। 80 और 90 के सुपरस्टार को ऐसे साथ में देखना दर्शकों के लिए बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। इस बीच संजय दत्त ने बाप ऑफ ऑल फिल्म से BTS वीडियो शेयर किया है, जो कि काफी फनी और दिलचस्प है। इस वीडियो में सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती व सभी स्टार्स का पर्दे के पीछे का अंदाज देखने को मिला है। आइए आपको भी दिखाते हैं बाप का BTS वीडियो। संजय दत्त ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, पर्दे पर ये करे कमाल और पर्दे के पीछे खुद ही देख लो फुल धमाल। बवाल और मस्ती है बॉस, आइए आपको दिखाते हैं बाप की पहली झलक, वो भी सेट से। साथ ही एक्टर्स ने अपने को स्टार को टैग भी किया है। बाप के BTS वीडियो में पर्दे के सीन्स को दिखाया गया है, कैसे फिल्म की शूटिंग हुई और कैसे स्टार्स ने एक्शन किया। जहां एक और सनी देओल की तोड़फोड़, तो जॉनी लीवर का मस्ती भरा अंदाज दिखाई दे रहा है। वही मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ का लुक भी देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल स्टार फिल्म की इस वीडियो को देखने के बाद फैंस काफी उत्सुक हो गए हैं, और अभी से बाप ऑफ ऑल फिल्म्स को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। फिल्म के इस वीडियो को शेयर करते हुए संजय दत्त ने कैप्शन में लिखा, पर्दे पर ये करे कमाल और पर्दे के पीछे खुद ही देख लो फुल ऑन धमाल। बवाल और मस्ती बेमिसाल, ये आपके लिए सेट से एक झलक। इस वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, कोई मूवी धमाल मचाए या ना मचाए, लेकिन ये फिल्म धमाका जरूर करेगी। दूसरे यूजर ने लिखा, बाबा जान ऐसे वीडियो पोस्ट करके क्यों तड़पा रहे हो, बस अब इंतजार नहीं होता। अन्य यूजर ने लिखा, सारे सुपर हीरो एक साथ, इस फिल्म को अहमद खान प्रोड्यूस कर रहे है। ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर है। बाप फिल्म में जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, सनी देओल, जॉनी लीवर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे स्टार है। ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी। बाप फिल्म में हुई बॉलीवुड की दो बड़ी दिग्गजों की एंट्री, एक हंसाएगा तो वही एक नचाएगी। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार सनी देओल बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार है। हाल ही में सनी देओल ने ऐलान किया कि वो बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ, संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म बाप में नजर आने वाले हैं। अरे दोस्तों, हर किसी के लिए काफी एक्साइटिंग खबर है, क्योंकि एक साथ चार बड़े दिग्गजों को एक फिल्म में देखना हर किसी के लिए सुनहरा मौका होने वाला है। ऐसे में इस एक्शन पैक्ड फिल्म के लिए फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। बता दें कि लंबे अरसे के बाद ये दिग्गज कलाकार एक साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए कमर कस चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपके लिए इस फिल्म से दो बड़ी खबर लेकर आए हैं। अब तक आपने जाना कि इस फिल्म में सनी देओल, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल देखने को मिलने वाले हैं, और ये चारों ही 1890s के कलाकार हैं। लेकिन आपको यह बता दें
कि अब इस फिल्म में दो बड़े और दिग्गजों की एंट्री हो चुकी है। हाँ, दरअसल दोस्तों कॉमेडी के किरदार में इस फिल्म में जॉनी लीवर की एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि इस फिल्म में कॉमेडी के किरदार में जॉनी लीवर देखने को मिलने वाले हैं और हम सब जानते हैं कि जॉनी लीवर की कॉमेडी किस हद तक होती है, वह किस तरह लोगों को एंटरटेन करते हैं। हम उनकी 90s की फिल्मों में भी देख चुके हैं, यहाँ तक कि हम उनकी रिसेंट फिल्मों में उनकी कॉमेडी से वाकिफ है। और जब किसी फिल्म में जॉनी लीवर की एंट्री हो तो वह फिल्म में कॉमेडी का जलवा किस कदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यह फाइनल हो चुका है कि फिल्म में जॉनी लीवर देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करें फिल्म के दूसरे बड़े दिग्गज कलाकार की, तो हम बात कर रहे हैं रवीना टंडन की। हाँ दोस्तों, इस फिल्म में रवीना टंडन भी आपको देखने को मिलने वाली है। 90s की एक्ट्रेस की रवीना टंडन की हमने एक से बढ़कर एक फिल्में देखी है, लेकिन वह अब पहली बार इन चारों कलाकारों के साथ देखने को मिलने वाली है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिल्म बाप में रवीना टंडन एक आइटम सॉन्ग में देखने को मिलने वाली है, जो इन चारों के साथ थिरकती नजर आएंगी और ये सभी के लिए काफी एक्साइटिंग हो। वही दोस्तों अब बात करें सनी देओल की, तो बॉलीवुड में अब सनी देओल लंबे वक्त के बाद अपनी धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं। जैसा कि हमने देखा कि वह फिल्म बाप में तो नजर आने वाले हैं, लेकिन उनके पास फिलहाल एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जिसमें वह कमाल का एक्शन करते नजर आएंगे। तो आइए जानते हैं उनकी अपकमिंग फिल्मों के बारे में। तो उनकी फिल्मों को लेकर बताया जा रहा है कि वह बाप के अलावा फिल्म गदर 2 और अपने 2 में नजर आएंगी। गदर 2 की शूटिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और अपने 2 की शूटिंग वजल शुरू करने वाले हैं। बाप फिल्म 90s के दशक के लिए होने वाली है बेहद खास। सनी देओल, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और मिथुन दा के अलावा और दो 90s के बड़े एक्टर की हुई एंट्री। सनी देओल जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर अपना फिर से वो दौर लाएंगे जो 90s और 80s के दशक में हुआ करता था, क्योंकि सनी देओल जिस तरीके से अपनी आने वाली फिल्मों को अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इसको लेकर दर्शकों में फिर से सनी देओल के चर्चे होना शुरू हो गए हैं। उनकी आखिरी फिल्म चूप OTT पर धमाल मचा रही है। बता दें कि ये फिल्म को G5 पर रिलीज किया गया है और फैंस उस फिल्म को बेहद पसंद कर रहे हैं। सनी देओल की 2023 में आने वाली कई सारी फिल्में हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चे गदर 2 और बाप फिल्म का हो रहा है। गदर 2 को लेकर तो हमने आपको पहले भी कई सारी जानकारियां दी है, लेकिन बता दें कि बाप फिल्म के भी चर्चे इन दिनों जोरों पर है। जब से ये फिल्म से फिल्म के स्टार कास्ट के लुक रिलीज किए गए हैं, तब से ही दर्शकों में ये फिल्मों को लेकर काफी बज बना हुआ है और 90s के दशक अपने पुराने स्टारों को एक साथ देखने के लिए बेहद एक्साइटेड भी है। लेकिन यही एक्साइटमेंट आपकी और बढ़ने वाली है, क्योंकि ये फिल्मों में और दो नए स्टार की एंट्री हो चुकी है, जिनमें पहली है रवीना टंडन और दूसरी है जॉनी लीवर। आज की फिल्मों में हमें ये दोनों ना के बराबर देखने को मिलते हैं। जॉनी लीवर एक टैलेंटेड कॉमेडियन एक्टर है, फिर भी वो आजकल की फिल्मों में बहुत ही कम नजर आते हैं। लेकिन जब 90s के सुपरस्टार एक साथ आ रहे हो और 90s का कॉमेडियन ना हो, तो वो फिल्मों में मजा ही नहीं होता। इसलिए मेकर्स ने जॉनी लीवर को भी ये फिल्मों में लेने का फैसला किया है, जो कि वो एक प्लस पॉइंट होगा। इसके अलावा बता दें कि ये फिल्मों में 90s के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक रवीना टंडन की भी एंट्री हुई है। उनके रोल को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इतना कन्फर्म है कि बाप फिल्मों में रवीना टंडन हमें देखने को मिलने वाली है। बात करें हम ये फिल्म की, तो बाप फिल्मों में लीड रोल में संजय दत्त, सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ नजर आएंगे। ये फिल्मों को डायरेक्शन दे रहे हैं विवेक चौहान और फिल्मों को प्रोड्यूस कर रहे हैं अहमद खान। इसके अलावा बता दें कि ये फिल्मों में हमें धमाकेदार एक्शन और कॉमेडी दोनों नजर आने वाले हैं और ये फिल्म साल 2023 में रिलीज की जाएगी। हालांकि अभी तक ये फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ये फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट होगी, फिल्म की रिलीज डेट को भी अनाउंस किया जाएगा। और वैसे भी बता दें कि ये फिल्म की 50% शूटिंग कम्प्लीट भी हो चुकी है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है बाप फिल्मों को लेकर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें। फाइनली बाप फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग हुई कंप्लीट। 40 दिन तक सिर्फ शूट हुआ है क्लाइमेक्स। बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों एक फिल्म काफी चर्चा में बनी हुई है और वह फिल्म है बाप। बता दें कि इस फिल्म में बॉलीवुड के चार दिग्गज देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, सनी देओल और संजय दत्त नजर आने वाले हैं। यह फिल्म का हर किसी को इंतजार है, लेकिन दोस्तों आज हम इस फिल्म से जुड़े आपके लिए एक बेहद ही एक्साइटेड बड़ी खबर लेकर आए हैं। खबर है फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग को लेकर। बताया जा रहा है कि फिल्म का क्लाइमेक्स अब फाइनली शूट हो चुका है। फिल्म के क्लाइमेक्स को शूट करने में 40 दिन लग गए हैं। यह क्लाइमेक्स एकदम एक्शन से भरा रहने वाला है, जिसमें ये चारों ही कलाकार फुल एक्शन मोड में नजर आएंगे। वैसे तो ये क्लाइमेक्स को पहले ही शूट किया जाना था, लेकिन सनी देओल की फिल्म चूप की वजह से इसे एक्सटेंड करना पड़ा और बीच में सनी देओल अपने ऑपरेशन के सिलसिले में USA गए थे और इसीलिए क्लाइमेक्स का शूट लंबा होता रहा। लेकिन अब फाइनली इस फिल्म का क्लाइमेक्स पूरा हो चुका है।
रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि क्लाइमैक्स में सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ एक्शन अवतार में देखने को मिलेंगे। ये काफी सुनहरा मौका होगा जिसमें 80 के दशक के ये चारों कलाकार फुल ऑन एक्शन में नजर आएंगे। बीते दिनों ही संजय दत्त ने इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया था। रिलीज किए गए इस BTS वीडियो में ये चारों ही एक्टर देखने को मिले थे। वीडियो को शेयर करते हुए संजय दत्त ने लिखा था, पर्दे पर ये करे धमाल और पर्दे के पीछे खुद ही देख लो, फुल धमाल बवाल और मस्ती है बॉस। आइए आपको दिखाते हैं बाप की पहली झलक, वो भी सेट से। साथ ही एक्टर ने अपने कोस्टार को भी टैग किया। बाप के BTS वीडियो में पर्दे के सीन्स को दिखाया गया है, कैसे फिल्म की शूटिंग हुई और कैसे स्टार्स ने एक्शन किया। जहाँ एक तरफ सनी देओल की तोड़फोड़ तो जॉनी लीवर का मस्ती भरा अंदाज देखने को मिला, वही सामने आए वीडियो में मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ का भी लुक नजर आया। फिल्म की रिलीज को लेकर बताया जा रहा है कि यह फिल्म को अगले साल रिलीज किया जाएगा और साथ ही यह भी खबर है कि फिल्म में एक धमाकेदार आइटम सॉन्ग रखा गया है जिसमें रवीना टंडन इन चारों के साथ ठुमके लगाते नजर आएगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो फिल्म के लिए? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। जल्द गदर मचाने आ रहे हैं सनी देओल, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती रवीना टंडन के साथ बाप फिल्म के आइटम सॉन्ग को लेकर आई बड़ी खबर। इन दिनों बॉलीवुड की दुनिया में एक फिल्म ने काफी चर्चा बनाई हुई है और वह फिल्म है बाप। दोस्तों, इस फिल्म की चर्चा के पीछे की वजह यह रही है क्योंकि पहली बार 1890s के दशक के चार एक्शन हीरो एक साथ नजर आने वाले हैं और यह हर किसी के लिए काफी सुनहरा मौका भी होने वाला है। बीते जमाने के चार सुपरस्टार को एक साथ देख फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। कमाल की बात तो यह है कि इस उम्र में ये सब फिल्म में एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। बीते दिनों ही इस फिल्म से इन चारों का फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया था जो आते ही सोशल मीडिया पर छा गया और लोगों ने इनके पोस्टर पर काफी प्यार लुटाया। बीते काफी दिनों से खबरों में यह भी चर्चा थी कि इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग होने वाला है और इस आइटम सॉन्ग में आइटम गर्ल के तौर पर रवीना टंडन देखने को मिलने वाली है। दरअसल इस फिल्म के आइटम सॉन्ग में रवीना टंडन इन चारों के साथ ठुमके लगाती नजर आएंगी। हालांकि अब इसी फिल्म के आइटम सॉन्ग को लेकर एक बड़ी खबर हाथ लगी है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के इस आइटम सॉन्ग को लेकर बताया जा रहा है कि यह फिल्म के आइटम सॉन्ग की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस सॉन्ग में हमें सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त के साथ 90s की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रवीना टंडन नजर आने वाली है। अब दोस्तों, इस फिल्म के बारे में थोड़ा कुछ जानें तो ये फिल्म को डायरेक्शन विवेक चौहान दे रहे हैं। इस फिल्म को अहमद खान, शार अहमद खान और जी स्टूडियो ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। बाप एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें भरपूर डायलॉगबाजी होगी और मीडिया के अनुसार फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग मुंबई की गोरेगांव स्टूडियो में 12 दिन तक चली है। इतना ही नहीं, शॉकिंग जानकारी तो यह है कि इस फिल्म के कलाकारों ने खुद स्टंट किए हैं। 72 साल की उम्र होने के बावजूद मिथुन दा ने डबल बॉडी लेने से इनकार कर दिया था। फिलहाल बॉलीवुड के चार सुपरस्टार की मच अवेटेड फिल्म बाप को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाप फिल्म में होगा धमाकेदार आइटम सॉन्ग। रवीना टंडन आइटम गर्ल बनके सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त के साथ लगाएंगी ठुमके। लगातार काफी समय से बॉलीवुड एक से बढ़कर एक फ्लॉप फिल्में दे रहा है, लेकिन अब कुछ मेकर्स हैं जो फिल्में इस तरह की बना रहे हैं जिससे यह उम्मीद बढ़ चुकी है कि आने वाली रिलीज फिल्में बॉलीवुड को एक अलग और नया मुकाम देगी। हाँ दोस्तों, क्योंकि अगले साल सदी के चार महानायक एक फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं। आप तो समझ ही गए होंगे कि हम बात फिल्म बाप की कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ 80 और 90 के दशक इन चारों कलाकारों के नाम रहे हैं। एक्शन और ड्रामा जॉनर में इन चारों कलाकारों ने कई हिट फिल्में दी और आज भी इनके चाहने वालों की कमी नहीं है। हिंदी सिनेमा के चारों महारथी अब एक साथ एक ही फिल्म बाप में नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, अब बाप फिल्म से जुड़ी एक एक्साइटिंग भरी खबर हाथ लगी है। दरअसल सदी के महानायक की इस फिल्म में एक जबरदस्त आइटम सॉन्ग होने वाला है और इस सॉन्ग में आइटम गर्ल बनेगी बॉलीवुड की अदाकारा रवीना टंडन, जो फिल्म में इन चारों के साथ ठुमके लगाएंगी। पहली बार बॉलीवुड में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो अब तक किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि पहली बार तो फिल्म में एक साथ बॉलीवुड के चार एक्शन हीरो नजर आएंगे और दूसरी बात ये कि फिल्म में आइटम गर्ल रवीना टंडन देखने को मिलेंगी। टिप टिप बरसा पानी में लोगों को पानी पानी करने वाली रवीना टंडन अब इस फिल्म में इन कलाकारों को पसीना छुटवाएंगी। अहमद खान निर्मित और विवेक चौहान के निर्देशन में बन रही फिल्म बाप की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब प्रमोशनल कैंपेन शुरू हो गया है जिसके तहत इनके लुक्स और किरदारों का परिचय दर्शकों से करवाया गया है। इसी क्रम में 22 दिनों सनी,
मिथुन, संजय और जैकी के किरदारों के नाम और लुक रिवील किए गए। तो आप कितने एक्साइटेड हो इस फिल्म के आइटम सॉन्ग को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट कर जरूर बताएं। 80s के चार एक्शन लेजेंड दिखे एक साथ, संजय, सनी, मिथुन, जैकी की चौकड़ी सिंगल स्क्रीन पर मचाएगी गदर। भारतीय सिनेमा एक्शन के रंग में रंगता नजर आ रहा है। दक्षिण की एक्शन फिल्में पिछले कुछ सालों से एक पर एक सफलता हासिल कर कीर्तिमान रच रही है। हालांकि बॉलीवुड की फिल्में भी अपने स्केल के हिसाब से हिट होती रही है, मगर दक्षिण की तुलना में हिंदी सिनेमा बड़े स्केल पर मसालेदार एक्शन में रची बसी फिल्में नहीं बना रहा। अब जबकि बॉलीवुड की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही है, दर्शकों को आकर्षित करने के लिए फिल्म मेकर एक्शन में नए जोखिम उठाने को कमर कस रहे हैं। इसी कड़ी में एक एक्शन फिल्म की चर्चा ध्यान खींचने वाली है। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर अहमद खान ने एक्शन में एक अनोखी कहानी दिखाने के लिए बड़ा रिस्क लेने का मन बनाया है। पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार अहमद खान ने जी स्टूडियोज के साथ हाथ मिलाया है। उनके प्रोजेक्ट का निर्देशन विवेक चौहान करेंगे। प्रोजेक्ट में बॉलीवुड के चार दिग्गज सितारे नजर आ सकते हैं। ये सितारे हैं सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ। 80 के दशक में इन सभी सितारों ने मसाला एक्शन फिल्मों से ही बड़ी पहचान बनाई और दर्शकों बॉलीवुड पर राज करते रहे। चारों अभिनेता अभी भी बॉलीवुड में सक्रिय है। हालांकि सनी देओल को छोड़कर बाकी के अभिनेता चरित्र भूमिकाओं या नकारात्मक भूमिकाओं में ही नजर आ रहे हैं। सनी देओल ने जरूर अभी भी हीरो के रूप में मोर्चा नहीं छोड़ा है। ब्लॉकबस्टर गदर का सीक्वल बनाई जा रही है। सनी अमीषा पटेल के साथ लीड करते नजर आएंगे। यह उनका दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ सालों में तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। अहमद खान का प्रोजेक्ट क्या होगा अभी इस बारे में बहुत डिटेल सामने नहीं है, लेकिन उनके हाथ जो स्क्रिप्ट लगी है उसे बेहतरीन बताया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि बस इसी महीने के मध्य से फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। जो भी हो, यह एक प्रायोगिक एक्शन फिल्म नजर आ रही है। गुजरे जमाने के चार बड़े एक्शन स्टार को एक एक्शन फिल्म में देखना वाकई दर्शकों के लिए दिलचस्प अनुभव होगा। अहमद खान ने जरूर किसी बढ़िया कहानी के आकर्षण में इतना बड़ा रिस्क उठाने का मन बनाया है। चारों अभिनेताओं की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। 40 साल की उम्र से ऊपर तमाम दर्शक आज भी इन्हें याद करते हैं। हो सकता है कि निर्माताओं ने कलाकारों के स्टारडम को आज की ऑडियंस के लिहाज से बुनाने की तैयारी की हो। इसमें कोई शक नहीं कि एक अच्छी कहानी होने की स्थिति में चारों कलाकार बॉक्स ऑफिस पर किसी भी फिल्म को अपने कंधे पर ढोने में पूरी तरह से सक्षम है। जमाना भी एक्शन फिल्मों का दिख रहा है, तो कारोबारी उम्मीद किया जाना भी गलत नहीं होगा। हो सकता है कि प्रोजेक्ट के साथ कुछ नए सितारों को भी जोड़ा जाए और एक ऐसी मुकम्मल कहानी दिखे जिसमें चारों बड़े अभिनेता अपने किरदार के साथ न्याय करते नजर आए। वो चाहे मिथुन चक्रवर्ती हो, संजय दत्त या जैकी श्रॉफ, इन कलाकारों ने नकारात्मक और चरित्र भूमिकाओं में भी अपनी छाप छोड़ी है। संजय दत्त तो कुछ हफ्ते पहले रिलीज हुई KGF 2 में यश के साथ दिखे थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और दर्शकों को संजय का KGF 2 अवतार बहुत पसंद आया। अग्निपथ के लंबे वक्त बाद कई लोगों ने KGF 2 को संजय दत्त के करियर में एक गेम चेंजर फिल्म माना। चारों दिग्गजों को लेकर बन रही फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल है, अब तो टाइटल भी सामने आ रहा है। बॉलीवुड हंगामा ने सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के आधार पर बताया कि सनी, संजय, मिथुन और जैकी की फिल्म का टाइटल बाप होगा। फिल्म का टाइटल असल में अभिनेताओं और कहानी के हिसाब से रखा गया है। फिल्म को अगले साल किसी बड़े त्योहारी वीकेंड पर रिलीज करने की तैयारी है। निर्माताओं की योजना फिल्म के जरिए सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को आकर्षित करने की है। वैसे फिल्म कैसी है इसका पता तो तब चलेगा जब सिनेमाघरों में दर्शक इसे पास कर देंगे। We'll be right back.
सैड सॉन्ग यू नो इट्स अबाउट हार्ट ब्रेक एंड आजकल वैसे गाने बहुत चल रहे हैं बट आई लव द मेलोडी इट वॉज यू नो इट टच्ड मी इमीडिएटली एंड आई थॉट दैट आई शुड डेफिनेटली सिंग इट सो रामजी टोल्ड मी कि इफ यू वांट टू सिंग दिस सॉन्ग एंड आई ट्रूली फेल दैट आई थिंक इट विल सूट माई वॉइस एंड आई शुड गो फॉर इट सो मैंने बहुत अच्छा यार बहुत अच्छा आई थिंक पीपल आर लविंग इट एंड अभी भी यहाँ भी बहुत लोगों ने बोला कि गाना बहुत अच्छा लग रहा है एंड माई पेरेंट्स लव्ड इट जो मेरे वेल विशर्स हैं जो फॉलो करते हैं सुनते हैं बहुत अच्छा लगा जैसे कि आप सबको पता है ये एक हार्ट ब्रेक का सॉन्ग है बट वो एक्चुअली साउंड वैसा नहीं करता है इट इज स्टिल सो नाइस एंड पेपी मतलब बहुत मजा आता है सुनने में इवन दो एक सैड सॉन्ग है बट वो सैड सॉन्ग वाली फीलिंग नहीं है इस गाने में यू कैन स्टिल ग्रूव टू इट ऐसा गाना है ये एंड ब्यूटिफुली सॉन्ग बाय राजदीप एंड ब्यूटिफुली शॉट रामजी इज नॉट हियर बट यू नो ही इज डन अ ग्रेट जॉब एंड बहुत ही अच्छा विजुअली भी लग रहा है गाना और सुनने में भी अच्छा तो है सो आई थिंक वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग विद इट या सो हमने ये गाना शूट किया पटाया में इन थाईलैंड एंड दैट इज अगेन यू नो जब आपको ऐसे पर्क्स मिलते हैं ना काम करते करते कि जब आप घूमने भी जा रहे हो एंड एक अच्छी लोकेशन पे भी शूट कर रहे हो और मज़े भी कर रहे हो तो बहुत मज़ा आता है सो इट वॉज अ वेरी शॉर्ट ट्रिप टू बैंकॉक पटाया थाईलैंड बट इट वॉज फन बिकॉज मुझे आउटडोर शूट करने में वैसे भी बहुत मज़ा आता है एंड लोकेशन आप देख सकते हैं गाने में इतनी ब्यूटीफुल लग रही है सो मुझे गर्मी कम लगती है सो आई वॉज ओके थैंक यू बहुत टाइम से लोग बोल रहे थे कि हर गाना दुबई दुबई आ रहा है इस बार हमने चेंज करके पटाया की है और लोकेशन बहुत अच्छा लोकेशन था इसका इन्होंने शूटिंग में बहुत एंजॉय किया इन दोनों ने एंड रामी ने शूट भी बहुत अच्छा किया सॉन्ग को एंड ओवरऑल राजदीप का तो आपको पता ही अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है राजदीप तो एकदम उसकी वॉइस बहुत अच्छी वॉइस एंड जस्टी भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है सॉन्ग में That is it, you know, it's such a good feel good factor, like, you know,
आप बाहर भी जा रहे हो, आपको घूमने का भी मौका मिल जाता है और आपका गाना विजुअली भी इतना अच्छा लगता है. सो व्हेन द ओवरऑल प्रोडक्ट इज नाइस लाइक विजुअली एंड व्हेन यू हियर इट, तो आई थिंक आपकी मेहनत सफल हो जाती है. सो वो मेहनत के साथ साथ मजे भी किए हमने एंड द प्रोडक्ट हैज आल्सो टर्नड आउट टू बी सो नाइस, सो आई एम वेरी हैप्पी. Sad romantic for me. For a change, you know, I got to sing a song which is a little sad zone ka gaana hai and meri awaaz mein shoot bhi karta hai aise gaana. So I thought why not sing this and I think we always experiment. The last one was to do romantic. But honestly, you know what, even though, like I said earlier, even though it's a sad song, it sounds doesn't feel so, like it doesn't feel like a sad song and you know, unless you go into detail and achha haan, aise, but you know, wo, gaana sadly bhi itna fun hai that aap ek achhe mood mein ho jaate ho, even though you, when you heard. Also, I want to mention one thing, it's been written really well. Lyrics, jinhone likha hai, Modi bhai ne likha hai, bahut hi acha likha hai, the words that he has used, no? चुपके बेवफाई करते थे, अभी शरेआम हो गए, सच ब्यूटीफुल वर्ड्स. एंड आई थिंक जो एक आम आदमी अगर सुनेगा, अगर उसका दिल टूटा है, तो वो जरूर रिलेट करेगा एंड ही विल रिमेंबर हिज एक्स. सो इट्स ब्यूटीफुल रिटन, आई मस्ट से. साथी गाने का नाम अनजान हो गया आपके लाइफ में, आप किसी के साथ हाय गाने का नहीं, बट ऑफ कोर्स यू नो हमारे लाइफ में, सबकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो सीजनल होते हैं. सो या वी ऑल, बट यू नो लाइक सीजनल होते हैं बट दे आर ऑल्सो फॉर अ रीज़न. सब कोई बहुत, जो भी हम इंसान इस जिंदगी में मिलते हैं वो किसी ना किसी रीज़न के लिए ही आते हैं, भले वो हमको कुछ सिखा जाते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं या हमें कुछ सिखा जाते हैं, यू नो. सो ऑफकोर्स हमारी सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी भी लाइफ में ऐसे बहुत लोग आए हैं, यू नो. या यू नो फ्रॉम, I'm talking about from the journey, you know, from school to college to colleagues to so many people. You are in such good terms with them. इतने अच्छे होते हैं उनके साथ कि ऐसा लगता है that you know we're going to stick together lifelong and then they're not a part of your life. But you know it's okay. We learn. This is a process and I think all of us go through it. So yeah, that's about it. No, I think we have our own platforms to promote this song on. So I'm going to sing it. I'm going to sing it in my concerts. That is for sure. Yeah, so that's going to be. That's a great way to promote. We all go through a heartbreak, you know. ये तो बोलने वाली बात है. But यहाँ पे जितने लोग हैं, I'm sure आप सभी ने कभी ना कभी ये face किया होगा. सबका दिल टूटा है यहाँ पे यार. जो ना बोल रहा है वो झूठ कह रहा है. So I think जितने भी लोग words को सुनेंगे, lyrics को सुनेंगे, relate करेंगे कि this is a very layman का गाना यार. मतलब आम आदमी इससे relate करेगा. हाँ वो तो उस पर तो मैं आने ही वाला था, तो उसके बिना आप जाने देंगे नहीं मुझे पता है. ऑलराइट, सो शैल आई सिंग अ फ्यू लाइंस? यस. सो आई एम गोना सिंग द पार्ट आई लव द मोस्ट. ओके, इट सेज झूठी कसमें खा सकते, तरस नहीं खा सकते, ये तो वो है जिनको कभी भी आंसू नहीं आ सकते, देखे थे कभी जो सपने सारे नीलाम हो गए, कभी जान थे जिनकी हम अब अनजान हो गए, कभी जान थे जिनकी हम अब अनजान हो गए. इसलिए गाने भी बोले थे.
अच्छे गाने के बहुत अच्छे और ऑब्वियसली बहुत अच्छा Also, I want to say, if you allow that, Srishti and I, we go back a long way. My bahut purani dosti hai, and that's why I think on screen, bahut acha lag raha hai. I tried to match up to her level of acting because she's a pro. Right. But I must say that. You did a great job. Thank you. Acha lag raha hai. Isiliye usne mujhe bola. Arey nahi. I'm kidding. No, but honestly, it's because I think we know each other. We had a great friendship. Isiliye I think on camera, on screen, wo aur you know, khul ke nikhar ke aa rahe hai. I think it was a very comfortable since we know each other, and I think we were meeting after so long. Correct. We both wanted it, whatever the product to come nice, and humne bahut mutually samajh ke and wo comfort level hamara bahut acha tha. So I think wo bahut clearly dikh raha hai video mein, and we were not like two strangers doing this song. In fact, jahan wo shots aap dekh rahe hain jahan pe hum baat kar rahe hain, hum literally itna mazak uda rahe the cheezon ka, and you know. It was just so funny. So our conversations were also very funny. And we had a lot of fun. Like literally a lot of fun. So every time I was trying to give an intimate shot, you know, Agar, I was feeling a little conscious. Yeah. Dost to kya hai, but you know, like gently approach. And she was like, nahi, just feel comfortable. You can saw the camera and all. So I think all went goes to love. Or making it look so bad. आने वाले हमारे बैक टू बैक सॉन्ग आने वाले हमारे भी नाइन्थ पे एक नया सॉन्ग आने वाला है, उसके बाद में नेक्स्ट वीक एक और आने वाला है. तो ऑलरेडी हमने 4-5 गाने शूट किए थे, हाँ तो भी बैक टू बैक आने वाले. Which I don't know कब आ रहा है वो, but वो भी आने वाला है बहुत जल्द. And बस और मेरा काम तो चल ही रहा है, so it's going well. Lot of them. We have around 4-5 songs in pipeline. हर साल not boring बहुत सारे गाने आएंगे. राम जी के साथ, राजेश भाई, नितिन भाई, we are all family now. So हम लोग मिलते ही रहेंगे अब बहुत सारे गाने करने के साथ. बीच में मत आ रहे, पूरा सेंटर आ रहा है भाई मेरे.
ओम जय। नेक्स्ट अप, आई एम अफेयर वी गोना हैव टू कीप यू ऑन योर फीट फॉर अ मोमेंट। आई एम सो सॉरी। चलो यार कितना। देखो दादा जेपी सर, जेपी सर दादा एक फोटो 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 चाय पिएंगे आप सर? इधर ही तो बना चाय पिएंगे। अरे फोटो सर, आपका फोटो सर। वन सर, एक अकेले में भी हो जाने दो ना सर। दादा ऊपर पार्टी छोड़ो, पार्टी का करो पार्टी। दादा एक स्टेप ऊपर चले जाओ। ए जाएंगे जाएंगे, और यहाँ से सही मिल रहा है एकदम। अरे मस्त है एकदम। अरे सर बैठ गए, तुम भी बैठो रे। दादा खाए तरी जगह दादा ऊपर पीछे राइट राइट दादा दिलो मत, दिलो मत एक नंबर दादा। लवली लवली दादा दादा राइट दादा समोर एक नंबर दादा राइट राइट लवली दादा बाजू दे बोल रहे दादा। ये पार्टी है ना भाई, पार्टी है। चल पार्टी कोणाचा मुलगा नाही चल। एक नंबर इकडे दादा, दादा पिछले ना मोबाईल आवी ना एकदम हरियाली दादा। It is incredible and a little terrifying to see so many of you all here today, especially since it's such a special event. I'm Diya Bojwani, for context. I'm a student at JDC School and I'm a friend of Jahan's. We bonded over shared love for terrible jokes, mutton curry, and secondary to the mutton curry, but no less important, a shared love for writing, a passion for craft. Now, admittedly, we were amateurs, but Shiv Uncle was a master. By the way, everyone I'm referring to is going to be called auntie and uncle in the speech because I'm a good Indian girl. वरती चांगला लाइट येणार वरती। क्या बात है सर, सर लेफ्ट मध्ये सेंटर। अरे मारक मकरन सर, सर सेंटर सर लेफ्ट मध्ये सर, एकदा सांगा ना।
आनंद है। राघवन कुणाल कपूर, अबे ऐसा मत कर बे, उतर ले तू। मक्खन देशपांडे, मेरे को नहीं मार पाऊंगा मैं फोटो। साईद मिर्ज़ा टू लाइक द डियर, नॉट मी जस्ट फॉर वार्निंग। दैट डियर, अबे तू मेरे को फोटो वीडियो फोटो करना है। अरे मेरे को फ्लेयर आ रहा है भाई। हां तो क्या करूं मैं, पता थोड़ा सा तो दे लाइटर बोल। अच्छा वाओ, मैं चाहता हूं चुप करा ना सर। एक ही पिक्चर But Ben had already decided on the other two actors, so I thought I'd leave him to handle that eventuality if it did occur. It turned out, however, that Shiv was not there for a role. He just loved the theatre and, like us, was trying to unravel the mystery that this play is. His first love, I discovered later, was not acting, but writing. And assuredly, there's no better than Samuel Beckett to learn that. I would like to read the foreword to the book, which was written by my father. It was sometime in 1978 that Benjamin Gilani and I, at his initiative, decided to form Motley by staging Waiting for Godot and grappling with the text he and I were industriously rehearsing every day at Mr. Taneja's actor studio, then housed at the YMCA in Barcelona. Several weeks had gone by and not much light had appeared at the end of the tunnel. We hadn't brought Pozzo and Lucky in yet, figuring we'd better know what we were both doing before they arrived. But the loneliness of the long distance runner had begun to set in.
long. So I would like to, I won't take too much time because we have a show to watch. I have a show to perform and you have a show to watch. I will pass on the baton to Dia. She's here somewhere. Dia is a student of JVCN school. She's a friend of Jahan and she's a literature student. Shiv and Dia had common interests in their love for language, literature and theatre. And she has a lot to say about Center. Sir, on the left, sir. Shiram, sir, on the left. Sir, yahan pe, sir. Sir, samne dekho. Samur wagaira, samur. Thamma na, thamma. संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल और जैकी श्रॉफ की फिल्म बाप की कहानी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। जाने क्या होगी फिल्म की कहानी। 90 के दशक की यादें एक बार फिर से दर्शकों के दिल में ताजा करने के लिए सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ ने अपनी कमर कस ली है। कुछ दिनों पहले ही संजय दत्त ने अपनी आगामी फिल्म बाप ऑफ ऑल फिल्म का पहला पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस पोस्टर में बॉलीवुड के 4 सुपरस्टार एक्टर्स को साथ में देखने के बाद फैंस काफी बेसब्र हो गया था। और अब दोस्त, फैंस की उत्सुकता और बढ़ाने के लिए बाप की कहानी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर फिल्म में क्या कहानी होने वाली है। दरअसल फिल्म में कहानी है 3 कैदी और एक वकील की। और फिल्म में 3 कैदी के रूप में हमें जैकी श्रॉफ, सनी देओल और संजय दत्त देखने को मिलेंगे। वही वकील के किरदार में मिथुन चक्रवर्ती नजर आएंगे। फिल्म में सनी देओल की किरदार को लेकर बताया जा रहा है कि वह फिल्म में एक सनकी और खतरनाक कैदी के किरदार में देखने को मिलेंगे। वही जैकी दादा और संजय दत्त फुल एक्शन और कॉमेडी में नजर आएंगे। और फिल्म में ये दोनों एक दूसरे के भाई बने हुए हैं। वही वकील का किरदार निभा रहे मिथुन चक्रवर्ती भी एक ऐसे वकील का किरदार निभाएंगे जिनसे वकालत ठीक से नहीं होती है और हर केस हारी जाते हैं। और इसलिए ऐसे वकील को इन तीनों का केस दिया जाता है जिससे वह कभी इन्हें जेल से आजाद ही ना करवा सके। यह 3 कैदी जो इस जेल में आकर फंसे हैं, वह अपने किसी कारण की वजह से कैद किए गए है। बात करी जाए सनी देओल की, तो सनी देओल के कैरेक्टर को देखकर ऐसा लगता है कि वह मारपीट की वजह से उन्हें जेल में कैद किया गया है। वही बाकी के 2 किरदार को लेकर ऐसा लग रहा है कि संजय दत्त और जैकी श्रॉफ जेल में इस वजह से आए हैं कि वो दोनों ही बड़े चोर हैं। और अब इन तीनों की ही वकालत करने के लिए फिल्म मिथुन चक्रवर्ती को चुना गया है। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती के लिए ये तीनों ही बड़े परेशानी है, क्योंकि जब उनके बाहर आने का वक्त होता है तो वो जेल में ही ऐसा कुछ कांड कर देते हैं जिसके चलते लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। सनी देओल मारपीट से जेल में फंसे रहते हैं। वही इसी तरह कुछ संजय दत्त और जैकी श्रॉफ भी करते हैं, जो यहाँ बाकी कैदी को परेशान करे उन्हें उकसाने में लगे रहते हैं। यहाँ यह दोनों ज्यादातर सनी देओल को गुस्सा दिलाते हैं ताकि वो पूरी जेल को तहस नहस कर दे और ये दोनों दोस्त भागने में भी सफल रहे। बता दी कि यह फिल्म कॉमेडी के साथ साथ एक्शन फुल धमाका होने वाली है। कहानी में और कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए कॉमेडी दुनिया के मशहूर कलाकार जॉनी लीवर भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। यह तो बात थी फिल्म की कहानी को लेकर। अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी और भी कुछ खास बातें। 80 और 90 के सुपरस्टार को ऐसे साथ में देखना दर्शकों के लिए बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। इस बीच संजय दत्त ने बाप ऑफ ऑल फिल्म से BTS वीडियो शेयर किया है जो कि काफी फनी और दिलचस्प है। इस वीडियो में सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती व सभी स्टार्स का पर्दे के पीछे का अंदाज देखने को मिला है। आइए आपको भी दिखाते हैं बाप का BTS वीडियो। संजय दत्त ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, पर्दे पर ये करे कमाल और पर्दे के पीछे खुद ही देख लो फुल धमाल। बवाल और मस्ती है बॉस, आइए आपको दिखाते हैं बाप की पहली झलक, वो भी सेट से।
साथ ही एक्टर्स ने अपने को स्टार को टैग भी किया है। बाप के BTS वीडियो में पर्द के सीन्स को दिखाया गया है, कैसे फिल्म की शूटिंग हुई और कैसे स्टार्स ने एक्शन किया। जहां एक और सनी देओल की तोड़फोड़ तो जॉनी लीवर का मस्ती भरा अंदाज दिखाई दे रहा है, वही मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ का लुक भी देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल स्टार फिल्म की इस वीडियो को देखने के बाद फैंस काफी उत्सुक हो गए हैं और अभी से बाप ऑफ ऑल फिल्म्स को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। फिल्म के इस वीडियो को शेयर करते हुए संजय दत्त ने कैप्शन में लिखा, पर्दे पर ये करे कमाल और पर्दे के पीछे खुद ही देख लो फुल ऑन धमाल, बवाल और मस्ती बेमिसाल, ये आपके लिए सेट से एक झलक। इस वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, कोई मूवी धमाल मचाए या ना मचाए लेकिन ये फिल्म धमाका जरूर करेगी। दूसरे यूजर ने लिखा, बाबा जान ऐसे वीडियो पोस्ट करके क्यों तड़पा रहे हो, बस अब इंतजार नहीं होता। अन्य यूजर ने लिखा, सारे सुपर हीरो एक साथ, इस फिल्म को अहमद खान प्रोड्यूस कर रहे है, ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर है। बाप फिल्म में जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, सनी देओल, जॉनी लीवर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे स्टार है। ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी। बाप फिल्म में हुई बॉलीवुड की दो बड़ी दिग्गजों की एंट्री, एक हंसाएगा तो वही एक नचाएगी। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार सनी देओल बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार है। हाल ही में सनी देओल ने यह ऐलान किया कि वो बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ, संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म बाप में नजर आने वाले हैं। अरे दोस्तों, हर किसी के लिए काफी एक्साइटिंग खबर है क्योंकि एक साथ चार बड़े दिग्गजों को एक फिल्म में देखना हर किसी के लिए सुनहरा मौका होने वाला है। ऐसे में इस एक्शन पैक्ड फिल्म के लिए फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। बता दें कि लंबे अरसे के बाद ये दिग्गज कलाकार एक साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए कमर कस चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपके लिए इस फिल्म से दो बड़ी खबर लेकर आए हैं। अब तक आपने जाना कि इस फिल्म में सनी देओल, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल देखने को मिलने वाले हैं और ये चारों ही 1890s के कलाकार हैं। लेकिन आपको यह बता दे कि अभी इस फिल्म में दो बड़े और दिग्गजों की एंट्री हो चुकी है। हाँ, दरअसल दोस्तों, कॉमेडी के किरदार में इस फिल्म में जॉनी लीवर की एंट्री हो चुकी है। हाँ, आपको बता दें कि इस फिल्म में कॉमेडी के किरदार में जॉनी लीवर देखने को मिलने वाले हैं और हम सब जानते हैं कि जॉनी लीवर की कॉमेडी किस हद तक होती है, वह किस तरह लोगों को एंटरटेन करते हैं, हम उनकी 90s की फिल्मों में भी देख चुके हैं, यहाँ तक कि हम उनकी रिसेंट फिल्मों में उनकी कॉमेडी से वाकिफ है। और जब किसी फिल्म में जॉनी लीवर की एंट्री हो तो वह फिल्म में कॉमेडी का जलवा किस कदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यह फाइनल चुका है कि फिल्म में जॉनी लीवर देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करें फिल्म के दूसरे बड़े दिग्गज कलाकार की, तो हम बात कर रहे हैं रवीना टंडन की। हाँ दोस्तों, इस फिल्म में रवीना टंडन भी आपको देखने को मिलने वाली है। 90s की एक्ट्रेस की रवीना टंडन की हमने एक से बढ़कर एक फिल्में देखी है, लेकिन वह अब पहली बार इन चारों कलाकारों के साथ देखने को मिलने वाली है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिल्म बाप में रवीना टंडन एक आइटम सॉन्ग में देखने को मिलने वाली है, जो इन चारों के साथ थिरकती नजर आएंगी और ये सभी के लिए काफी एक्साइटिंग हो। वही दोस्तों, अब बात करें सनी देओल की, तो बॉलीवुड में अब सनी देओल लंबे वक्त के बाद अपनी धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं। जैसा कि हमने देखा कि वह फिल्म बाप में तो नजर आने वाले हैं, लेकिन उनके पास फिलहाल एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जिसमें वह कमाल का एक्शन करते नजर आएंगे। तो आइए जानते हैं उनकी अपकमिंग फिल्मों के बारे में। तो उनकी फिल्मों को लेकर बताया जा रहा है कि वह बाप के अलावा फिल्म गदर 2 और अपने 2 में नजर आएंगे। गदर 2 की शूटिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और अपने 2 की शूटिंग वजल शुरू करने वाले हैं। बाप फिल्म 90s के दशक के लिए होने वाली है बेहद खास। सनी देओल, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और मिथुन दा के अलावा और दो 90s के बड़े एक्टर की हुई एंट्री। सनी देओल जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर अपना फिर से वो दौर लाएंगे जो 90s और 80s के दशक में हुआ करता था, क्योंकि सनी देओल जिस तरीके से अपनी आने वाली फिल्मों को अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इसको लेकर दर्शकों में फिर से सनी देओल के चर्चे होना शुरू हो गए हैं। उनकी आखिरी फिल्म चूप OTT पर धमाल मचा रही है। बता दें कि ये फिल्म को G5 पर रिलीज किया गया है और फैंस उस फिल्म को बेहद पसंद कर रहे हैं। सनी देओल की 2023 में आने वाली कई सारी फिल्में हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चे गदर 2 और बाप फिल्म का हो रहा है। गदर 2 को लेकर तो हमने आपको पहले भी कई सारी जानकारियां दी है, लेकिन बता दें कि बाप फिल्म के भी चर्चे इन दिनों जोरों पर है। जब से ये फिल्म से फिल्म के स्टारकास्ट के लुक रिलीज किए गए हैं, तब से ही दर्शकों में ये फिल्मों को लेकर काफी बज बना हुआ है और 90s के दशक अपने पुराने स्टारों को एक साथ देखने के लिए बेहद एक्साइटेड भी है। लेकिन यही एक्साइटमेंट आपकी और बढ़ने वाली है, क्योंकि ये फिल्मों में और दो नए स्टार की एंट्री हो चुकी है, जिनमें पहली है रवीना टंडन और दूसरी है जॉनी लीवर। आज की फिल्मों में हमें ये दोनों ना के बराबर देखने को मिलते हैं। जॉनी लीवर एक टैलेंटेड कॉमेडियन एक्टर है, फिर भी वो आजकल की फिल्मों में बहुत ही कम नजर आते हैं। लेकिन जब 90s के सुपरस्टार एक साथ आ रहे हो और 90s का कॉमेडियन ना हो, तो वो फिल्मों में मजा ही नहीं होता।
इसलिए मेकर्स ने जॉनी लीवर को भी ये फिल्म में लेने का फैसला किया है, जो कि वो एक प्लस पॉइंट होगा। इसके अलावा बता दें कि ये फिल्मों में 90s के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक रवीना टंडन की भी एंट्री हुई है। उनके रोल को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इतना कंफर्म है कि बाप फिल्मों में रवीना टंडन हमें देखने को मिलने वाली है। बात करें हम ये फिल्म की तो बाप फिल्मों में लीड रोल में संजय दत्त, सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ नजर आएंगे। ये फिल्मों को डायरेक्शन दे रहे हैं विवेक चौहान और फिल्मों को प्रोड्यूस कर रहे हैं अहमद खान। इसके अलावा बता दें कि ये फिल्मों में हमें धमाकेदार एक्शन और कॉमेडी दोनों नजर आने वाले हैं और ये फिल्म साल 2023 में रिलीज की जाएगी। हालांकि अभी तक ये फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ये फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होगी फिल्म की रिलीज डेट को भी अनाउंस किया जाएगा। और वैसे भी बता दें कि ये फिल्म की 50% शूटिंग कंप्लीट भी हो चुकी है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है बाप फिल्मों को लेकर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये न्यूज पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें। फाइनली बाप फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग हुई कंप्लीट। 40 दिन तक सिर्फ शूट हुआ है क्लाइमेक्स। बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों एक फिल्म काफी चर्चा में बनी हुई है और वह फिल्म है बाप। बता दें कि इस फिल्म में बॉलीवुड के चार दिग्गज देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, सनी देओल और संजय दत्त नजर आने वाले हैं। यह फिल्म का हर किसी को इंतजार है, लेकिन दोस्तों आज हम इस फिल्म से जुड़े आपके लिए एक बेहद ही एक्साइटेड बड़ी खबर लेकर आए हैं। खबर है फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग को लेकर। बताया जा रहा है कि फिल्म का क्लाइमेक्स अब फाइनली शूट हो चुका है। फिल्म के क्लाइमेक्स को शूट करने में 40 दिन लग गए हैं। यह क्लाइमेक्स एकदम एक्शन से भरा रहने वाला है, जिसमें ये चारों ही कलाकार फुल एक्शन मोड में नजर आएंगे। वैसे तो ये क्लाइमेक्स को पहले ही शूट किया जाना था, लेकिन सनी देओल की फिल्म चुप की वजह से इसे एक्सटेंड करना पड़ा और बीच में सनी देओल अपने ऑपरेशन के सिलसिले में USA गए थे और इसीलिए क्लाइमेक्स का शूट लंबा होता रहा। लेकिन अब फाइनली इस फिल्म का क्लाइमेक्स पूरा हो चुका है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि क्लाइमेक्स में सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ एक्शन अवतार में देखने को मिलेंगे। ये काफी सुनहरा मौका होगा, जिसमें 80 के दशक के ये चारों कलाकार फुल ऑन एक्शन में नजर आएंगे। बीते दिनों ही संजय दत्त ने इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया था। रिलीज किए गए इस BTS वीडियो में ये चारों ही एक्टर देखने को मिले थे। वीडियो को शेयर करते हुए संजय दत्त ने लिखा था, पर्दे पर ये करे धमाल और पर्दे के पीछे खुद ही देख लो, फुल धमाल, बवाल और मस्ती है बॉस। आइए आपको दिखाते हैं बाप की पहली झलक, वो भी सेट से। साथ ही एक्टर ने अपने को-स्टार को भी टैग किया। बाप के BTS वीडियो में पर्दे के सीन्स को दिखाया गया है, कैसे फिल्म की शूटिंग हुई और कैसे स्टार्स ने एक्शन किया। जहाँ एक तरफ सनी देओल की तोड़फोड़ तो जॉनी लीवर का मस्ती भरा अंदाज देखने को मिला, वहीं सामने आए वीडियो में मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ का भी लुक नजर आया। फिल्म की रिलीज को लेकर बताया जा रहा है कि यह फिल्म को अगले साल रिलीज किया जाएगा और साथ ही यह भी खबर है कि फिल्म में एक धमाकेदार आइटम सॉन्ग रखा गया है, जिसमें रवीना टंडन इन चारों के साथ ठुमके लगाते नजर आएगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो फिल्म के लिए, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। जल्द गदर मचाने आ रहे हैं सनी देओल, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती रवीना टंडन के साथ बाप फिल्म के आइटम सॉन्ग को लेकर आई बड़ी खबर। इन दिनों बॉलीवुड की दुनिया में एक फिल्म ने काफी चर्चा बनाई हुई है और वह फिल्म है बाप। दोस्तों, इस फिल्म की चर्चा के पीछे की वजह यह रही है क्योंकि पहली बार 1890s के दशक के चार एक्शन हीरो एक साथ नजर आने वाले हैं और यह हर किसी के लिए काफी सुनहरा मौका भी होने वाला है। बीते जमाने के चार सुपरस्टार को एक साथ देख फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। कमाल की बात तो यह है कि इस उम्र में ये सब फिल्म में एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। बीते दिनों ही इस फिल्म से इन चारों का फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया था, जो आते ही सोशल मीडिया पर छा गया और लोगों ने इनके पोस्टर पर काफी प्यार लुटाया। बीते काफी दिनों से खबरों में यह भी चर्चा थी कि इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग होने वाला है और इस आइटम सॉन्ग में आइटम गर्ल के तौर पर रवीना टंडन देखने को मिलने वाली है। दरअसल इस फिल्म के आइटम सॉन्ग में रवीना टंडन इन चारों के साथ ठुमके लगाती नजर आएंगी। हालांकि अब इसी फिल्म के आइटम सॉन्ग को लेकर एक बड़ी खबर हाथ लगी है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के इस आइटम सॉन्ग को लेकर बताया जा रहा है कि अब फिल्म के आइटम सॉन्ग की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस सॉन्ग में हमें सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त के साथ 90s की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रवीना टंडन नजर आने वाली है। अब दोस्तों, इस फिल्म के बारे में थोड़ा कुछ जानें, तो ये फिल्म को डायरेक्शन विवेक चौहान दे रहे हैं। इस फिल्म को अहमद खान, शायर अहमद खान और जी स्टूडियो ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। बाप एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें भरपूर डायलॉगबाजी होगी और मीडिया के अनुसार फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग मुंबई की गोरेगांव स्टूडियो में 12 दिन तक चली है। इतना ही नहीं, शॉकिंग जानकारी तो यह है कि इस फिल्म के कलाकारों ने खुद स्टंट किए हैं।
72 साल की उम्र होने के बावजूद मिथुन दा ने डबल बॉडी लेने से इनकार कर दिया था। फिलहाल बॉलीवुड के चार सुपरस्टार की मच अवेटेड फिल्म बाप को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाप फिल्म में होगा धमाकेदार आइटम सॉन्ग। रवीना टंडन आइटम गर्ल बनके सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त के साथ लगाएंगी ठुमके। लगातार काफी समय से बॉलीवुड एक से बढ़कर एक फ्लॉप फिल्में दे रहा है, लेकिन अब कुछ मेकर्स हैं जो फिल्में इस तरह की बना रहे हैं जिससे यह उम्मीद बढ़ चुकी है कि आने वाली रिलीज फिल्में बॉलीवुड को एक अलग और नया मुकाम देगी। हाँ दोस्तों, क्योंकि अगले साल सदी के चार महानायक एक फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं। आप तो समझ ही गए होंगे कि हम बात फिल्म बाप की कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ 80 और 90 के दशक इन चारों कलाकारों के नाम रहे हैं। एक्शन और ड्रामा जॉनर में इन चारों कलाकारों ने कई हिट फिल्में दी और आज भी इनके चाहने वालों की कमी नहीं है। हिंदी सिनेमा के चारों महारथी अब एक साथ एक ही फिल्म बाप में नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, अब बाप फिल्म से जुड़ी एक एक्साइटिंग भरी खबर हाथ लगी है। दरअसल सदी के महानायक की इस फिल्म में एक जबरदस्त आइटम सॉन्ग होने वाला है और इस सॉन्ग में आइटम गर्ल बनेगी बॉलीवुड की अदाकारा रवीना टंडन, जो फिल्म में इन चारों के साथ ठुमके लगाएंगी। पहली बार बॉलीवुड में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो अब तक किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि पहली बार तो फिल्म में एक साथ बॉलीवुड के चार एक्शन हीरो नजर आएंगे और दूसरी बात ये कि फिल्म में आइटम गर्ल रवीना टंडन देखने को मिलेंगी। टिप टिप बरसा पानी में लोगों को पानी पानी करने वाली रवीना टंडन अब इस फिल्म में इन कलाकारों को पसीना छुटवाएंगी। अहमद खान निर्मित और विवेक चौहान के निर्देशन में बन रही फिल्म बाप की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब प्रमोशनल कैंपेन शुरू हो गया है, जिसके तहत इनके लुक्स और किरदारों का परिचय दर्शकों से करवाया गया है। इसी क्रम में 22 दिनों सनी, मिथुन, संजय और जैकी के किरदारों के नाम और लुक रिवील किए गए। तो आप कितने एक्साइटेड हो इस फिल्म के आइटम सॉन्ग को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट कर जरूर बताएं। 80s के चार एक्शन लेजेंड दिखे एक साथ, संजय, सनी, मिथुन, जैकी की चौकड़ी सिंगल स्क्रीन पर मचाएगी गदर। भारतीय सिनेमा एक्शन के रंग में रंगता नजर आ रहा है। दक्षिण की एक्शन फिल्में पिछले कुछ सालों से एक पर एक सफलता हासिल कर कीर्तिमान रच रही है। हालांकि बॉलीवुड की फिल्में भी अपने स्केल के हिसाब से हिट होती रही है, मगर दक्षिण की तुलना में हिंदी सिनेमा बड़े स्केल पर मसालेदार एक्शन में रची बसी फिल्में नहीं बना रहा। अब जबकि बॉलीवुड की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही है, दर्शकों को आकर्षित करने के लिए फिल्म मेकर एक्शन में नए जोखिम उठाने को कमर कस रहे हैं। इसी कड़ी में एक एक्शन फिल्म की चर्चा ध्यान खींचने वाली है। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर अहमद खान ने एक्शन में एक अनोखी कहानी दिखाने के लिए बड़ा रिस्क लेने का मन बनाया है। पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार अहमद खान ने जी स्टूडियोज के साथ हाथ मिलाया है। उनके प्रोजेक्ट का निर्देशन विवेक चौहान करेंगे। प्रोजेक्ट में बॉलीवुड के चार दिग्गज सितारे नजर आ सकते हैं। ये सितारे हैं सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ। 80 के दशक में इन सभी सितारों ने मसाला एक्शन फिल्मों से ही बड़ी पहचान बनाई और दर्शकों बॉलीवुड पर राज करते रहे। चारों अभिनेता अभी भी बॉलीवुड में सक्रिय है। हालांकि सनी देओल को छोड़कर बाकी के अभिनेता चरित्र भूमिकाओं या नकारात्मक भूमिकाओं में ही नजर आ रहे हैं। सनी देओल ने जरूर अभी भी हीरो के रूप में मोर्चा नहीं छोड़ा है। ब्लॉकबस्टर गदर का सीक्वल बनाई जा रही है। सनी अमीषा पटेल के साथ लीड करते नजर आएंगे। यह उनका दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ सालों में तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। अहमद खान का प्रोजेक्ट क्या होगा अभी इस बारे में बहुत डिटेल सामने नहीं है, लेकिन उनके हाथ जो स्क्रिप्ट लगी है उसे बेहतरीन बताया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि बस इसी महीने के मध्य से फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। जो भी हो, यह एक प्रायोगिक एक्शन फिल्म नजर आ रही है। गुजरे जमाने के चार बड़े एक्शन स्टार को एक एक्शन फिल्म में देखना वाकई दर्शकों के लिए दिलचस्प अनुभव होगा। अहमद खान ने जरूर किसी बढ़िया कहानी के आकर्षण में इतना बड़ा रिस्क उठाने का मन बनाया है। चारों अभिनेताओं की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। 40 साल की उम्र से ऊपर तमाम दर्शक आज भी इन्हें याद करते हैं। हो सकता है कि निर्माताओं ने कलाकारों के स्टारडम को आज की ऑडियंस के लिहाज से बुनाने की तैयारी की हो। इसमें कोई शक नहीं कि एक अच्छी कहानी होने की स्थिति में चारों कलाकार बॉक्स ऑफिस पर किसी भी फिल्म को अपने कंधे पर ढोने में पूरी तरह से सक्षम है।
जमाना भी एक्शन फिल्मों का दिख रहा है तो कारोबारी उम्मीद किया जाना भी गलत नहीं होगा। हो सकता है कि प्रोजेक्ट के साथ कुछ नए सितारों को भी जोड़ा जाए और एक ऐसी मुकम्मल कहानी दिखे जिसमें चारों बड़े अभिनेता अपने किरदार के साथ न्याय करते नजर आए। वो चाहे मिथुन चक्रवर्ती हो, संजय दत्त या जैकी श्रॉफ, इन कलाकारों ने नकारात्मक और चरित्र भूमिकाओं में भी अपनी छाप छोड़ी है। संजय दत्त तो कुछ हफ्ते पहले रिलीज हुई KGF 2 में यश के साथ दिखे थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और दर्शकों को संजय का KGF 2 अवतार बहुत पसंद आया। अग्निपथ के लंबे वक्त बाद कई लोगों ने KGF 2 को संजय दत्त के करियर में एक गेम चेंजर फिल्म माना। चारों दिग्गजों को लेकर बन रही फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल है, अब तो टाइटल भी सामने आ रहा है। बॉलीवुड हंगामा ने सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के आधार पर बताया कि सनी, संजय, मिथुन और जैकी की फिल्म का टाइटल बाप होगा। फिल्म का टाइटल असल में अभिनेताओं और कहानी के हिसाब से रखा गया है। फिल्म को अगले साल किसी बड़े त्योहारी वीकेंड पर रिलीज करने की तैयारी है। निर्माताओं की योजना फिल्म के जरिए सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को आकर्षित करने की है। वैसे फिल्म कैसी है इसका पता तो तब चलेगा जब सिनेमाघरों में दर्शक इसे पास कर देंगे।